से अच्छे दी सिंह, वॉरंट निकला है तुम्हारे नाम, हर सुर्खियों में तुम ही तुम छाए हो। मेरी एक खासियत है कि मैं मारता कम हूं और घसीटता हूं ज्यादा। जिंदगी में तीन चीज कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई मी एंड माय सेल्फ। मेरी पार्टी सिर्फ पैसा है, मुझे पैसा दे, मैं से बिठा। नौकर मैं जनता का, किसी के बाप का नहीं। अगर तुझमें दम है तो तू अब मुझे रोक के देखा। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, मोस्ट एम्बिशियस फिल्म। दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज को लेकर चारों तरफ हंगामा हो गया है। जहां एक तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार थी, वहीं सिंगल और मल्टीप्लेक्स के ऑनर ने रिक्वेस्ट करी कि वो अपनी फिल्म को राधे को थिएटर्स में रिलीज करें। दोस्तों, इस फिल्म का चारों तरफ बोलबाला है, जिसकी वजह से फिल्म ने 235 करोड़ की शानदार कमाई कर ली है, वो भी रिलीज से पहले। खबर है कि भाईजान की फिल्म के राइट्स, वीडियो स्ट्रीमिंग, सॉन्ग राइट्स 235 करोड़ में बिके हैं। आप सभी को बता दूं कि ये सब जी स्टूडियो ने खरीदा है। वेल दोस्तों, देखा जाए तो एग्जीबिटर्स, मेकर्स और ओनर्स को फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं। लोगों को लगता है कि फिल्म लोगों को, व्यूअर्स को सिनेमा घरों की तरफ खींच लाएगी और कमाई का भरमार लगाएगी। दोस्तों, पहले जहां मेकर्स फिल्म को सिर्फ थिएटर में रिलीज करना चाहते थे, लेकिन खबर है कि थिएटर में रिलीज होने के बाद, मतलब कि थिएटर में अच्छी खासी कमाई करने के बाद, ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी तहलका मचाएगी। ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होगी। वेल दोस्तों, अभी फिल्म के रिलीज में बहुत वक्त है, लेकिन लोगों की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पे है। सोचिए कि जब फिल्म रिलीज होगी तब क्या होगा, यह अंदाजा जब फिल्म का टीजर रिलीज होगा तभी पता चलेगा। वेल आपको बता दूं कि फिल्म का टीजर एंड ऑफ मार्च या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में रिलीज हो सकता है, रिपोर्ट की माने तो। वेल दोस्तों, आपको क्या कहना है सलमान खान के इस 235 करोड़ की शानदार डील के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। क्यों लगता है सलमान खान को कि फिल्म में हीरो से बड़ा विलेन होना चाहिए? क्या है सलमान खान और जैकी श्रॉफ का रिश्ता राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में? एक फिल्म की सफलता सिर्फ उसके हीरो से नहीं बल्कि उसके विलेन से भी आती है। चाहे फिल्म में रीड रोल में कोई भी एक्टर हो, लेकिन वो फिल्म का हीरो तब तक नहीं बनता जब तक उसका सामना किसी विलेन से नहीं होता। एक महान और बड़े विलेन से ही एक फिल्म सुपरहिट बन पाती है। आप सब बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक और मशहूर फिल्म शोले के बारे में तो जानते ही होंगे, जबकि लोग जय वीरू की दोस्ती, बसंती और धन्नो के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम कभी भी गब्बर सिंह के किरदार को नहीं भूले हैं। उनका डायलॉग कितने आदमी थे आज भी सभी के मन में जूझता है। बॉलीवुड के विलन और फिल्म का सुपरहिट होने का रिश्ता के बारे में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का भी यही कहना है। अपनी अगली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के सेट पर एक अखबार से इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा कि पर्दे पर हीरो का बड़ा दिखने के लिए सामने आने वाला विलन उससे भी बड़ा होना चाहिए। जब तक हीरो अपने से बड़े विलन को मारेगा नहीं, वह हीरो नहीं बन पाएगा। इस फिल्म के लिए सलमान ने मशहूर अभिनेता रणदीप हुड्डा को बतौर विलन साइन किया है। रणदीप को सबसे पहले नेटफ्लिक्स की इंटरनेशनल फिल्म एक्सट्रैक्शन में वर्ल्ड फेमस क्रिस हेम्सवर्थ के साथ एक्शन सीन्स करते हुए देखा गया था।
इस फिल्म की प्रमोशंस के दौरान उन्होंने अपने और सलमान खान के रिश्ते के बारे में बताया। प्रमोशंस के दौरान रणदीप हुड्डा की फिल्म सलमान खान स्टारर राधे के बारे में पूछा गया। उन्होंने सलमान के साथ उनके रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा, सलमान और मैं कई सालों से दोस्त हैं। वह मुझसे ज्यादा वरिष्ठ और बहुत समझदार हैं। हम एक शानदार दोस्ती साझा करते हैं। किक में मैंने उनका पीछा किया, सुल्तान में मैंने उन्हें ट्रेन किया, राधे फिल्म में ये टेस्ट कर रहा हूँ कि मुझसे क्या सीखा है। फिल्म में रणदीप हुड्डा के साथ जैकी श्रॉफ भी दिखने को मिलेंगे, ठीक उसी तरह जैसे भारत फिल्म में जैकी ने सलमान खान से उम्र कहानी लिखी है। सानिया भाई, दोस्तों बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई का इंतजार करोड़ों लोगों को है, और जैसे जैसे फिल्म अपनी रिलीज डेट के लिए आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे फिल्म के अपडेट्स एक के बाद एक हमें सरप्राइज कर रहे हैं। और इस बीच फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। खबर है कि इस फिल्म में टीवी सीरियल अनुपमा के लीड एक्टर सुधांशु पांडे की एंट्री हुई है। इस बार में खुद टीवी सीरियल स्टार ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने राधे के लिए काफी वक्त पहले ही शूट किया था और इसकी डबिंग जनवरी में ही पूरी कर दी थी। मैं फिल्म में एक नेगेटिव किरदार में हूँ और मेरा इसमें एक बहुत बड़ा कैमियो है। सुधांशु पांडे ने बताया कि वो फिल्म का हिस्सा सिर्फ प्रभु देवा की वजह से बने, क्योंकि वो उन्हें ना नहीं कह सकते। सुधांशु ने आगे बताया कि उन्होंने बहुत पहले एक तमिल फिल्म की शूट की थी जिसमें प्रभु देवा हीरो थे और विलेन के रोल में खुद सुधांशु थे। शायद उन्होंने मुझे दिमाग में रखा, मुझसे कास्टिंग एजेंसी के जरिए अप्रोच किया। हालांकि मैं कैमियो किरदार नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं ऐसे किरदार बहुत कर चुका हूँ, मगर ये सिर्फ मैंने प्रभु सर के लिए हाँ किया है। सुधांशु पांडे ने बताया कि उनके प्रभु देवा के रिश्ते काफी प्रोफेशनल है, मैंने हमेशा ही उन्हें एक कलाकार के तौर पर सराहा है। दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो सुधांशु पांडे ने फिल्म की शूटिंग और डबिंग दोनों खत्म कर ली है, अब बस इंतजार है फिल्म की रिलीज डेट। सुधांशु पांडे कौन है? दोस्तों अक्सर ये फिल्मों में हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 2.0, सिंघम, मर्दानी 2 और सिंह इज किंग, और भी ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनमें इनका काम बहुत ही शानदार रहा है। अब इस फिल्म में किस तरह के रोल में नजर आने वाले हैं सुधांशु पांडे, ये तो ईद पर पता चलेगा। क्या उनका कैरेक्टर सलमान खान से फाइट करता है या फिर साइड नेगेटिव कैरेक्टर है? दोस्तों ये अपडेट एक्साइटमेंट लेवल को और बढ़ाते जा रहा है, और सच में अब इंतजार नहीं हो रहा है फिल्म की रिलीज डेट को लेकर। आपकी क्या हालत है रिलीज डेट को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलीवुड। था शाहरुख खान और सलमान खान के बीच जिसकी वजह से मोड़ लिया था दोनों ने एक दूसरे से मुंह। कौन है राधे फिल्म के नए मेहमान? मैं प्रियंका धनखड़ इन सभी सवालों के जवाब आपको अपने इस वीडियो में दूंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री एक आसमान की तरह है जहां हर कोई सितारा अपनी जगह बनाने के लिए बेचैन है। कोई 10 फिल्में करने के बाद भी अनजान है तो कोई एक फिल्म करके ही हमारे दिल पर छा चुका है। लेकिन इस आसमान में एक ही सितारा है जिसकी रोशनी और तेज इतनी ज्यादा है कि उसके सामने बाकी सितारे फीके पड़ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के भाईजान दबंग चुलबुल पांडे यानी कि सलमान खान की। एक तरफ जहां कोरोना महामारी की वजह से हम ना जाने कितने त्योहार नहीं मना पाए, एक त्योहार तो पूरे देश ने नहीं मनाया, वो है सलमान खान की ईद पर रिलीज। अरे सलमान खान की किसी भी फिल्म की रिलीज किसी त्योहार से कम नहीं होती, खासकर सलमान खान की ईद की फिल्म। 2020 में जहां सलमान खान ईद पर अपने फैंस को ईदी नहीं दे पाए, दूसरी ओर सलमान खान की कोई फिल्म OTT पर रिलीज नहीं हो पाई। एक तरफ सिनेमा हॉल बंद थे तो दूसरी ओर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की कमाई का जरिया भी। ऐसे में फैंस को काफी निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हालात बेहतर हो गए हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो या फिर सलमान खान के फैंस के लिए। मई के महीने में ईद के दिन यानी कि 13 मई को अब राधे आखिर सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। अब धीरे धीरे इस फिल्म के बारे में हमें कई खबरें सुनने को मिल रही हैं, जिसमें से एक है कि इस फिल्म में हमें सलमान खान के साथ बॉलीवुड के बाजीगर यानी कि शाहरुख खान भी दिखेंगे। जी हाँ, आजकल एक दूसरे के यार बने हुए शाहरुख सलमान फिर से बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। शाहरुख इस फिल्म में कैमियो में दिखेंगे, हालांकि
क्या आप जानते हैं कि एक समय में सलमान और शाहरुख के बीच बात भी नहीं होती थी। तो क्या हुआ था ऐसा, हम आपको बताते हैं। शाहरुख खान और सलमान खान अपने अधिकांश जीवन के लिए अच्छे दोस्त रहे हैं। हालांकि दोनों के रिश्ते में उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी हुए हैं। एक समय ऐसा हुआ जब SRK ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ चलते चलते की शूटिंग कर रहे थे और सलमान और ऐश का रिश्ता हाल ही में टूटा था। सलमान खान कथित तौर पर चलते चलते के सेट पर आए और हंगामा किया। जब शाहरुख ने दखल दिया तो सलमान ने उनके साथ भी लड़ाई की। फिल्म के एक्टर होने के साथ साथ वो फिल्म के निर्माता भी थे, इसलिए शाहरुख इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने ऐश्वर्या की जगह रानी को चुना। हालांकि उन्होंने फरहा खान के एक शादी समारोह में भाग लिया। जब सलमान SRK के पास गए तो माफी मांगी। इसके बाद दोनों के बीच एक और लड़ाई हुई थी, लेकिन जब कथित तौर पर दोनों ने एक इफ्तार पार्टी में भाग लिया तो दोनों के बीच मामला सुलझ गया। शाहरुख खान सलमान की बहन अर्पिता को आशीर्वाद देने भी गए थे। अब दोनों के बीच काफी दोस्ती है और हो सकता है उनकी दोस्ती की एक और झलक हमें सलमान की राधे में भी देखने को मिले। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्क्रिप्ट रिटन बाय सलमान खान ने पिछले दशक में अपना दबंग अंदाज दिखाकर चुलबुल पांडे के रूप में अपना जलवा दिखाया था। सलमान खान अब कई फिल्मों में एक पुलिस वाले के रूप में दिखाई दे चुके हैं। उनकी कुछ फिल्मों में वह पुलिस वाले होने के साथ साथ कॉमेडी करते हुए भी दिखते हैं। वहीं उनकी बाकी की फिल्मों में हमने एक मज़ेदार और पेचीदा कहानी देखी। महेश मांजरेकर की बेटी साई मांजरेकर के साथ उनकी हालिया फिल्म दबंग 3, वह अब तक कई बार पुलिस की भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं, जैसे कि दबंग फिल्म में, वांटेड और भी बहुत सारी फिल्मों में। अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के लिए भी तैयार हैं, जिसे प्रभु देवा द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है। दबंग में सलमान खान ने चुलबुल पांडे के एक निडर पुलिस वाले की भूमिका निभाई और उसके साथ कारनामों को बताया। सलमान खान ने अब इस किरदार को 3 बार बड़े पर्दे पर निभाया है। 2019 में रिलीज हुई दबंग 3 में सलमान ने फिर से चुलबुल पांडे को दिखाया। कुल मिलाकर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट थी। वांटेड 2009 में आई प्रभु देवा द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म है। फिल्म में सलमान खान ने एक अंडर कवर पुलिस वाले की भूमिका निभाई, जो खुद को एक गैंगस्टर के रूप में दिखाता है। आयशा टाकिया, विनोद खन्ना, प्रकाश राज और महेश मांजरेकर ने भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिल्म में बहुत बड़ी हिट थी और आज भी ये सलमान की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक मानी जाती है। लगता है अब सलमान खान, प्रभु देवा और पुलिस की जोड़ी फिर से हमें दिखने वाली है, क्योंकि सलमान खान की अगली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई प्रभु देवा ही डायरेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ फिल्म में हमें सलमान खान को एक पुलिस वाले के किरदार में देखने को मिलेगा। इस फिल्म में हमें दिशा पाटनी के साथ जैकी श्रॉफ की भारत फिल्म की तिकड़ी फिर से देखने को मिलेगी। दिशा के अलावा रणदीप हुड्डा और जरीना वाहन कुछ नाम हैं जो इस फिल्म की कलाकारों की टोली में शामिल है। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे को लेकर जबरदस्त बज रहा है बैंड। कहने को सलमान ने अभी तक फिल्म का ट्रेलर रिलीज नहीं किया, लेकिन फिल्म से जुड़ी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि सभी फैंस काफी उत्साहित हैं। अब राधे को लेकर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी सामने आई है। कहा जा रहा है कि सलमान की राधे में शाहरुख खान और अजय देवगन का कनेक्शन है। दोनों अजय देवगन और शाहरुख खान सलमान की राधे में अहम रोल निभाते वाले दिखाई देंगे। रोल भी ऐसा कि बिना ये फिल्म शायद पूरी ना हो पाती। अब फिल्म में शाहरुख और अजय का ऐसा क्या किरदार देखने को मिलेगा, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बॉलीवुड की ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ बने रहें। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी लिखी है सानिया। खबर
रिलीज होने जा रहा है राधे का तूफानी टीजर। क्या इससे पहले फर्स्ट लुक भी रिलीज किया जाएगा सलमान खान का? क्या होने वाली है राधे की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैस। सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल है। जहां फिल्म का ईद पर रिलीज होना तय है, वहीं अब इसका प्रमोशन भी जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया है। हाल ही में बिग बॉस 14 के मंच में आपने देखा होगा फिल्म के तीनों कलाकार यानी सलमान, दिशा पाटनी और रणदीप हुड्डा एक साथ दिखे थे। जाहिर है कि फैंस की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है इन लोगों ने। अब यही देखते हुए अब फिल्म से पहली झलक रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का पहला टीजर मार्च के महीने में रिलीज किया जाएगा, वहीं अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में ट्रेलर का धमाका होना है। लेकिन उससे पहले वैलेंटाइन वीक में फिल्म का पोस्टर रिलीज किया जा सकता है। आपको बता दें, फिल्म की कुछ झलक तो पिछले साल ही रिलीज कर दी गई थी, क्योंकि फिल्म 2020 ईद पर रिलीज होनी थी। लेकिन अब दर्शकों का उत्साह बढ़ाते हुए इसके नए पोस्टर रिलीज किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो फिल्म का टीजर तैयार किया जा चुका है और ये 1 मिनट के लगभग का बनाया जाना है। इसमें सलमान खान के कुछ एक्शन सीन्स की झलक भी देखने को मिलेगी और वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि यदि सूर्यवंशी अप्रैल में रिलीज होती है तो राधे का टीजर सिनेमा घरों में उससे जोड़ा जा सकता है। सलमान खान अपनी ईद रिलीज की परंपरा को राधे के साथ जारी रख रहे हैं। उद्योग और प्रदर्शकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए जो चाहते थे कि महामारी के बाद सलमान सिनेमा घरों में अपनी फिल्म को रिलीज करते हुए फिल्म प्रेमियों और व्यवसाय को भी शुरुआत करने में मदद करें, सलमान ने इस पर सहमति भी व्यक्त की है। राधे को थिएटर में रिलीज करने के लिए देश भर के थिएटर एग्जिबिटर्स एसोसिएशन द्वारा अनुरोध किया गया था, क्योंकि इन सभी को लगता था कि केवल सलमान खान की फिल्म ही महामारी के कारण सिनेमा घरों को हुए आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। यहाँ तक कि एसएस राजा मौली ने भी सलमान खान के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी कि सलमान ही वो एक्टर है जो ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सकते हैं। आपको बता दें, राधे को प्रभु देवा डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा होने वाले हैं और दिशा पाटनी जैकी श्रॉफ की बहन का रोल करने वाले हैं। वहीं फिल्म का निर्माण सलमान खान सोहेल खान की कंपनी कर रहे हैं मिलकर, और साथ ही इसे ईद पर रिलीज जाने का प्लान है। ये फिल्म ड्रग माफिया पर बन रही है, मतलब कि इसमें जो रणदीप हुड्डा है वो ड्रग माफिया होने वाले हैं और सलमान उनके साथ भिड़ते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि ये फिल्म कितना धमाल मचा पाएगी। आपको कितना इंतजार है राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सुपरस्टार सलमान की राधे कब रिलीज होने वाली है? आखिर सलमान के पिता सलीम खान किस सुपरस्टार के आगे अपने बेटे का स्टारडम कम मानते हैं? क्या होने वाली है राधे की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। भले ही सलमान खान बॉलीवुड के दिग्गज स्टार में से एक हैं और फैंस के बीच उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन उनके पिता सलीम खान मानते हैं कि वो कभी भी एक सुपरस्टार है उनके स्टारडम को मैच नहीं कर पाएंगे, और वो सुपरस्टार है राजेश खन्ना। जी हाँ, राजेश खन्ना की हिट फिल्म हाथी मेरे साथी की स्क्रिप्ट लिखने वाले सलीम खान कहते हैं कि हिंदी सिनेमा में अब तक जितना राजेश खन्ना का स्टारडम उन्होंने देखा है वो कोई भी हासिल नहीं कर पाया होगा। राजेश खन्ना पर लिखी गई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार की प्रस्तावना में सलीम खान ने बेटे सलमान की तुलना राजेश खन्ना से करते हुए लिखा था कि वो कभी काका जैसा स्टारडम हासिल नहीं कर सकते। सलीम खान ने लिखा है कि आज मेरा बेटा सलमान बड़ा स्टार है, मेरे घर के बाहर उसकी एक झलक देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। कई लोग मेरे पास आए और कहा कि उन्होंने सलमान खान जैसा स्टारडम किसी का नहीं देखा, लेकिन मैं उन्हें बताता हूँ कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर क्वार्टर रोड स्थित बंगले आशीर्वाद के बाहर मैंने ऐसे तमाम नज़ारे देखे हैं। राजेश खन्ना के बाद ऐसी दीवानगी और स्टारडम मैंने किसी भी और एक्टर का नहीं देखा। सलीम खान कहते हैं कि राजेश खन्ना के दीवाने हर उम्र के लोग थे। 6 साल से 60 साल तक की आयु के लोग राजेश खन्ना के बड़े फैंस थे। खासतौर पर लड़कियां उनकी दीवानी थी, उनकी एक झलक के लिए एक्साइटेड रहती थी। सलमान के पिता लिखते हैं कि मैं एक बार राजेश खन्ना के साथ तमिलनाडु गया था और वहाँ राजेश खन्ना को देखने के लिए भारी जमावड़ा था। उस दौर में भी
तमिल इंडस्ट्री के पास बड़े स्टार थे और वहाँ हिंदी सिनेमा को पसंद करने वालों की संख्या भी कम थी। फिर भी राजेश खन्ना को देखने के लिए इतने लोगों का उमड़ना बताता था कि काका कितने लोकप्रिय थे। हालांकि सलीम खान ने राजेश खन्ना की फिल्मों के फ्लॉप होने के सिलसिले के बारे में भी लिखा था। वो कहते हैं कि इसकी बड़ी वजह ये थी कि राजेश खन्ना हमेशा खुद को स्टार ही मानते रहे और कभी कुछ अलग करने का प्रयास ही नहीं किया। इसके अलावा उनके एटीट्यूड के चलते फिल्म इंडस्ट्री के तमाम निर्देशकों ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था। राजेश खन्ना ने कहा था, माउंट एवरेस्ट से गिरा हूँ। खुद राजेश खन्ना ने अपने करियर में ढलान को लेकर कहा था कि ये सही है कि मैं नीचे गिरा हूँ और इससे आहत भी हुआ हूँ। यदि मुझे थोड़ी बहुत सफलता मिलती तो मैं एडजस्ट कर लेता, लेकिन इतनी ज़्यादा ऊँचाई से गिरने के बाद मैं टूट गया। इससे मैं अंदर से बेहद दुखी हो गया। दुख बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैं माउंट एवरेस्ट से गिरा था। और अक्सर सुपरस्टार की करियर में ऐसा उतार चढ़ाव आता ही रहता है। जब सुपरस्टार बहुत बड़ा लेवल हासिल कर लेता है उसके बाद उसकी फ़ैन फॉलोइंग कम होने लग जाती है, तो ऐसे ही राजेश खन्ना के साथ भी हुआ था। सलमान खान की बात करें तो उनका स्टारडम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उनकी फिल्मों के लिए अब तक भी लोगों की वही दीवानगी है जो पहले हुआ करती थी। और अब राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई आने वाली है जो कि ईद के मौके पर रिलीज़ होने वाली है। तो दोस्तों, आपको कितना इंतज़ार है सल्लू की फिल्म का और आपको क्या लगता है सलीम खान की बातों से आप कितने सहमत हैं? दोस्तों, दिल थाम के बैठिए क्योंकि इस बार आप लोगों को डबल ईदी मिलने वाली है। दोस्तों, सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई को रिलीज होने में लगभग 3 महीने बाकी हैं और अभी इस फिल्म से एक सरप्राइज का पिटारा खुला है। इस पिटारे के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, इस बार ईडी अकेले सलमान खान नहीं देंगे बल्कि उनके साथ बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और अजय देवगन तीनों ईडी देते नजर आएंगे। माना जा रहा है कि सलमान खान की फिल्म राधे से शाहरुख खान और अजय देवगन का बहुत बड़ा कनेक्शन है। सलमान खान अपने फैंस के साथ ईडी मना सके, दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जितनी भी बड़े बजट की फिल्में होती हैं उन सभी फिल्मों में हैवी वीएफएक्स होता है और फिल्म राधे भी हैवी बजट की फिल्म है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी हैवी वीएफएक्स हमें देखने को मिलेगा। और उस वीएफएक्स का सारा जिम्मा शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली वीएफएक्स और अजय देवगन की कंपनी एनएन वीएफएक्स वाला ने अपने कंधों पर ले लिया। वेल, दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रेड चिली वीएफएक्स और एनएन वीएफएक्स वाला, ये दोनों कंपनियां जानी जाती हैं अपने क्वालिटी वर्क के लिए। और जब शाहरुख खान को पता चला कि उनकी कंपनी की हेल्प चाहते हैं सलमान खान, तो शाहरुख खान ने तुरंत हाँ कर दी। सिर्फ यही नहीं बल्कि अजय देवगन की कंपनी NYVFX वाला भी पोस्ट प्रोडक्शन के तौर पर नजर आएगी। वेल, हमेशा से ही देखा गया है कि जब भी शाहरुख खान या सलमान खान की एक दूसरे को जरूरत होती है तो वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और ऐसी ही दोस्ती है सलमान खान की और अजय देवगन की। दोस्तों, राधे के बाद दोनों को एक साथ देखने का मौका मिलेगा हमें फिल्म पठान में, जिसके लिए फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस दोस्ती के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड के भाईजान की अपकमिंग फिल्म राधे और मोस्ट वॉन्टेड भाई को लेकर एक जबरदस्त ट्विस्ट सामने आया है। दोस्तों, भाई की इस फिल्म को सभी का इंतजार है, हम सभी जानते हैं। जहां एक तरफ फिल्म को लेकर फैंस एक्साइटेड है कि कब फिल्म थिएटर में रिलीज होगी और कब हमें ये फिल्म देखने को मिलेगी, वहीं PVR और मल्टीप्लेक्स के ऑनर भी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि फिल्म जल्दी से जल्दी रिलीज हो और लॉस जो हुआ है उन्हें उसकी भरपाई हो सके। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि पहले उम्मीद थी कि ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है, लेकिन फिल्म के मेकर्स सब नॉर्मल होने का वेट कर रहे थे। मेकर्स 100% ऑक्यूपेंसी के साथ PVR ओपन होने के इंतजार में थे, लेकिन ऑनर्स की रिक्वेस्ट पर सलमान खान ने फिल्म को पहले रिलीज करने का फैसला किया। सलमान खान ने इस फिल्म को ईद पर रिलीज करने का सोचा ताकि उन्हें PVR के ऑनर्स को प्रॉफिट हो सके, लेकिन यहाँ पर एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिला है। अब वो क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल मल्टीप्लेक्सेस के ऑनर्स के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म की भी फिल्म पर नजर है। वो चाहते हैं कि भाईजान की इस फिल्म को डिजिटली भी रिलीज किया जाए और इसके लिए OTT के बीच कंपटीशन चल रहा है। सभी के सभी मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार है सलमान खान को, लेकिन सलमान खान अपनी बात के पक्के हैं
ये बात हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। उन्होंने सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया है और अपनी फिल्म राधे को पीवीआर में रिलीज करने का जो फैसला लिया था उस पर अड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ओटीटी प्लेटफॉर्म दो फिल्मों को डिजिटली रिलीज करना चाहती है, एक राधे जो ऑलमोस्ट रिलीज के लिए तैयार बैठी है और दूसरी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली, जिसकी शूटिंग कब शुरू होगी ये भी हमें नहीं पता। इन दो फिल्मों को लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म सभी टर्म्स एंड कंडीशंस मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन भाईजान ने जो एक बार कह दिया फिर तो अब वही होगा। अब इंतजार है ईद का और फिल्म के रिलीज का। वेल फ्रेंड्स, आपको क्या कहना है भाईजान के इस कमिटमेंट को लेकर, नीचे अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू। राधे, क्यों हुए फिल्म राधे के सेट पर सलमान इमोशनल? क्या है साजिद वाजिद और सलमान का अनोखा रिश्ता? क्यों ठहराया दिशा पाटनी ने प्रभु देवा को जिम्मेदार? हर कलाकार की पहचान होती है उसके एक अलग अदा जो उसे बाकियों से अलग करती है, चाहे ये कलाकार कोई पेंटर, लेखक या फिर सिंगर हो। हर कलाकार के अंदर एक कुछ ऐसी खूबी होती है जिसे वो दुनिया के सामने अगर लाए तो दुनिया उसकी दीवानी बन जाए। ऐसा ही कुछ होता है सिंगर्स में भी, जैसे कि जगजीत सिंह की ये बात थी उनकी गजलों में जिसने पूरी दुनिया का उनको फैन बना दिया। ऐसे ही हर कोई बॉलीवुड में अपनी एक अलग अलग जगह और अलग पहचान बनाने की कोशिश करता है। और ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी आर्टिस्ट बॉलीवुड में अपनी जगह बना पाया है तो उसे सब कुछ मिल सकता है। कुछ ऐसा ही बॉलीवुड के सिंगर्स के साथ भी है। बॉलीवुड और इसके गाने का जो रिश्ता है ये तो दुनिया भर में मशहूर है और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है बॉलीवुड के कमाल सिंगर्स को। बॉलीवुड में म्यूजिक के लिए कुछ बहुत सारे ड्यूओस का ट्रेंड है और ये ट्रेंड आज से नहीं बल्कि सालों से चला आ रहा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कमाल के संगीत निर्देशक के ड्यूओस देखे हैं जिन्होंने हमें कुछ बेहतरीन गाने और दिल को छू जाने वाले म्यूजिक दिया है। दरअसल दुनिया भर में हजारों भाषाएं हैं लेकिन एक भाषा ऐसी है जिसे पूरी दुनिया में एक ऐसा जैसा समझा जाता है और एक जैसा महसूस किया जाता है और वो है संगीत। बॉलीवुड के म्यूजिकल ड्यूओज आज से ही नहीं बल्कि सालों से चले आ रहे हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जिन्होंने हमें सावन का महीना, बिंदिया चमकेगी, एक प्यार का नगमा है, हवा हवाई, ड्रीम गर्ल, डफली वाले, एक दो तीन, जुम्मा चुम्मा, हंगामा हो गया, चोली के पीछे क्या है, मन क्यों बहका रे, चाबी खो जाए जैसे गाने दिए हैं। ऐसे ही एक और ड्यो है जतिन लेल जिन्होंने 90s में कई सदाबहार गाने दिए हैं, जैसे कि कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, जो जीता वही सिकंदर और हम तुम, चलते चलते, फना आदि। ऐसा ही एक और म्यूजिकल डुओ है साजिद वाजिद का। ये भाइयों की जोड़ी है जो बॉलीवुड के गानों के दायरे में शानदार संगीत बना रही है। इस डुओ में दिग्गज तबला बजाने वाले उस्ताद शराफत खान के बेटे साजिद और वाजिद। सलमान खान की प्यार किया तो डरना क्या, हेलो गॉड तुसी ग्रेट हो, वांटेड दबंग, मुझसे शादी करोगी, पार्टनर एक था टाइगर के साथ शुरू हुई ये जोड़ी खान की फिल्मों के लिए बहुत सारे संगीत दे चुकी है। लेकिन हाल ही में साजिद वाजिद की जोड़ी बनी सलमान खान के लिए इमोशनल होने की वजह, तो क्या हुआ था हम आपको बताते हैं। दरअसल सलमान खान ने प्रभु देवा के निर्देशन में बन रही फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। फिल्म की शूटिंग कोरोना काल के दौरान बंद हो गई थी। दरअसल संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के साजिद इस फिल्म के सेट पर मौजूद थे और सलमान पर गाना फिल्माया जा रहा था। वाजिद खान का कुछ महीने पहले ही निधन हुआ है। हाल ही में जब साजिद सलमान और सोहेल खान चैट कर रहे थे तब साजिद ने सलमान को वाजिद के बर्थडे के बारे में बताया। सलमान ये सुनकर इमोशनल हो गए थे और दोनों ने आसमान को देखकर वाजिद को याद किया था। फिल्म राधे के सेट पर एक केक का इंतज़ाम किया गया और वाजिद के बर्थडे को मनाया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। साजिद ने इस मौके पर कहा कि सलमान, मैंने और सोहेल ने चांद को देखा था और हमें ऐसा महसूस हुआ था जैसे वाजिद हमें देख रहा है। साजिद ने कहा कि सलमान ने मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहा, वाजिद ने हमेशा मेरा साथ निभाया है। आपको बता दें कि वाजिद की मौत 2020 जून के महीने में हुई थी। वैसे तो वाजिद की किडनी की समस्या में जूझ रहे थे लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि किडनी के इलाज के दौरान जब उनका कोरोना टेस्ट किया गया तो यह रिपोर्ट पॉजिटिव आया।
हालांकि उनके मौत की वजह बताई गई है कि वह हार्ट अटैक है। वाजिद पिछले कई सालों से किडनी के अलावा हार्ट की समस्या से जूझ रहे थे, जो आखिरकार उनकी मौत की वजह बन गई। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में सलमान खान के साथ दिशा पाटनी भी नज़र आएंगी। हाल ही में उन्होंने सलमान के साथ फिल्म की शूटिंग करी और ख़त्म भी कर ली। इसकी जानकारी दिशा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है। उन्होंने टीम के साथ अपनी एक फ़ोटो शेयर की, कैप्शन लिखा, राधे पैकअप, बेस्ट होने के लिए मेरी प्यारी टीम का धन्यवाद, गर्ल पावर। इससे पहले दिशा फिल्म भारत में सलमान खान के साथ नज़र आई थी। इस दौरान दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया था। राधे में दिशा ने कई हिट एक्ट्रेसेस के पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले सलमान खान के साथ इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से किसी को कास्ट करने का प्लान था, वही अब दिशा ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है कि इसी बीच खबर आई है कि फिल्म की शूटिंग करते हुए दिशा पाटनी घायल हो गई। दिशा को घुटने में चोट लगी। इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी। उन्होंने प्रैक्टिस के दौरान की फ़ोटो शेयर करते हुए कहा, प्रभु देवा सर की डांस स्टेप्स ने मुझे ये दिया, मुझे घुटनों में चोट लग गई। खैर, अब फिल्म की शूटिंग के दौरान चोटें लगना आम बात है। आप लोगों को क्या लगता है, सलमान और दिशा की जोड़ी फिर से स्क्रीन पर अपना जलवा दिखा पाएगी? हमें अपनी सोच को अभी से क्यों कहा जा रहा है कि 500 करोड़ी फिल्म है और दिशा पाटनी अभी से खुश क्यों नजर आ रही हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। दबंग अभिनेता सलमान खान की बहुचर्चित फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के सिनेमाघरों में रिलीज होने की आधिकारिक घोषणा होने के बाद इसकी मुख्य अभिनेत्री दिशा पाटनी बहुत खुश हैं। उन्हें खुशी इस बात की है कि अब दर्शक इस फिल्म का मजा बड़े पर्दे पर ले सकेंगे। हालांकि अब तक देश से कोरोना वायरस विदा नहीं हुआ है, इसलिए दिशा ने फिल्म देखने वाले सभी लोगों से गुजारिश की है कि सावधानियां जरूर बरतें। मशहूर कोरियोग्राफर प्रभु देवा के निर्देशन में बनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें सलमान खान, दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिकाओं में होंगे। इस दिन का इंतजार सलमान खान के प्रशंसक काफी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन फिल्म की रिलीज का समय अलग अलग कारणों से हमेशा आगे ही बढ़ता रहा, लेकिन आखिरकार ये फिल्म अब इसी साल ईद पर रिलीज होने जा रही है। खुद सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करके जानकारी दी है कि उनकी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई इसी ईद पर रिलीज होगी। वैसे तो सलमान की ये फिल्म हमेशा से सिनेमाघरों में ही रिलीज होने के लिए बन रही, लेकिन कुछ हफ्तों पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सलमान खान ने अपनी इस बहुचर्चित फिल्म को OTT पर बेचने का मन बना लिया है। इन खबरों ने सिनेमाघरों के मालिकों को थोड़ा विचलित किया और उन्होंने एक पत्र लिखकर सलमान खान से गुजारिश की कि वो अपनी फिल्म को सिनेमाघर में रिलीज करें। सिनेमाघरों के मालिकों के इस पत्र का जवाब देते हुए सलमान ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं जवाब थोड़ा देर से दे रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। इस कठिन वक्त में ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं समझ सकता हूँ कि सभी सिनेमाघर इस समय आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं। मैं अपनी फिल्म राधे को सिनेमाघरों में रिलीज करके आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मैं आशा करता हूँ कि आपने दर्शकों के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए होंगे। फिल्म ईद पर रिलीज होनी थी और वो ईद वर्ष 2021 की है। सलमान के इस संदेश से सिनेमाघरों के मालिक भी खुश हुए और सलमान के प्रशंसक तो फूले नहीं समा रहे। इधर फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में सलमान की हीरोइन दिशा पाटनी भी खुश है और अपनी खुशी जाहिर करते हुए वो कहती है, राधे सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है और इसके लिए बहुत उत्साहित हूं। अब इस फिल्म का मजा दर्शक सिनेमाघरों में ले पाएंगे, इसके लिए बहुत से लोगों के शुक्रगुजार हैं। बस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करती हूं कि जब भी सिनेमाघर जाएं, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सावधानियां जरूर बरतें। हमें कमेंट करके बताइए क्या ये फिल्म 1,000 करोड़ का बिजनेस करेगी। लोगों के दिलों में इतना राज करते हैं? 100 करोड़ की क्लब में अब तक सल्लू भाईजान की कितनी फिल्में हैं और 200-300 करोड़ वाली कौन सी है, और सल्लू भाईजान के वो कौन से करारे डायलॉग हैं जो सबका दिल जीत लेते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जायल। सलमान खान जनता के दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार हैं। उनके हर अंदाज पर थिएटर में तालियां सीटियां बजने लगती है, गूंज हो जाती है। सलमान का तेरे नाम लुक हो या दबंग में शर्ट के पीछे
पीछे चश्मा टांगने का अंदाज हो सब ट्रेंड बन जाता है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इस साल ईद पर बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने को तैयार थे, लेकिन पैंडेमिक ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। लेकिन अगले साल फिर से तैयार है ईद पर, लेकिन अभी इसी की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन लगभग तय है। बहरहाल अगली फिल्म रिलीज से पहले यहाँ सलमान खान की हम कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डाल लेते हैं जो सल्लू भाईजान को बनाते हैं सुपरस्टार। ओपनिंग के मामले में या फिर लंबे वीकेंड के मामले में बहुत सारे रिकॉर्ड सलमान खान ने तोड़े हैं। जैसे कि 100 करोड़ी फिल्मों की बात हो तो अब तक सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर कई धमाकेदार रिकॉर्ड बनाए हैं जिसे तोड़ना किसी भी एक्टर की बस की बात नहीं है। 100 करोड़ क्लब में अब तक सलमान खान की 15 फिल्में हैं और जिसके नाम है जय हो, रेडी, बॉडीगार्ड, दबंग, दबंग 2, दबंग 3, किक, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, सुल्तान, प्रेम रतन धन पायो, बजरंगी भाईजान, ट्यूबलाइट, भारत, रेस 3। और वहीं 200 करोड़ की अगर लिस्ट बोले तो 4 फिल्में हैं, टाइगर जिंदा है, सुल्तान, बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो। 300 करोड़ का क्लब की बात करें तो सलमान खान ने ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है भैया। उनकी जो 300 करोड़ फिल्म थी वो है सुल्तान, टाइगर जिंदा है और बजरंगी भाईजान। अब हम बताते हैं उनका सबसे बड़ा वीकेंड। सलमान खान की फिल्म सुल्तान को 5 दिनों का लंबा वीकेंड मिला था और फिल्म ने इसका जमकर फायदा उठाया। सुल्तान ने 5 दिनों में 180 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया और दंगल जैसी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ डाला। सबसे बड़ा हफ्ता भी सल्लू भाईजान के नाम है। सुल्तान ने एक हफ्ते में 208 करोड़ का आंकड़ा पार किया और सबसे बड़ा हफ्ता बन गई इस अब तक की जितनी भी फिल्म आई है। चलो एक और फिल्म है जो सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म में बन गई। दंगल संजू के बाद बॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है टाइगर जिंदा है। इसने 339 करोड़ का बिजनेस किया और ये सलमान खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। एक ही साल में 200 करोड़ प्लस 300 करोड़। सलमान खान एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने एक ही साल में 300 करोड़ी और 200 करोड़ी फिल्म दे दी थी। 2015 में ये रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। सलमान के अलावा ये रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ रणवीर सिंह के नाम है। चलिए आप हो जाए सल्लू भाईजान के वो 10 करारे डायलॉग जो अब तक फिर से हम सुनते हैं तो दोहराते हैं और मजा आ जाता है। मैंने प्यार किया का ये डायलॉग कौन भूल सकता है और कौन यूज नहीं करता। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। हम आपके हैं कौन का ये डायलॉग। लोग कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियां जब झूठ बोलती हैं तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। हम दिल दे चुके का ये डायलॉग हम दिल दे चुके सनम का। अगर तुम मुझे यूं देखती रहोगी तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। वॉन्टेड का एक डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। बॉडीगार्ड का ये डायलॉग, मेरी खासियत है मैं मारता कम हूँ और घसीटता ज्यादा हूँ। बॉडीगार्ड का ये डायलॉग, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। मतलब सलमान खान का ये डायलॉग तो बहुत ज्यादा हिट हुआ था और बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दबंग का ये डायलॉग, दबंग का ये डायलॉग, हमारा नाम हमारी पर्सनैलिटी को शोभा देता है। चुलबुल पांडे उर्फ रॉबिन हुड पांडे, मतलब चुलबुल पांडे ने तो धमाल ही मचा दिया था। केक का ये डायलॉग सुनिए, मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। वॉन्टेड का ये डायलॉग, तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसे के पीछे भागेगी, तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। और दबंग का ये डायलॉग तो बहुत ही ज्यादा कॉमेडी है और ये डायलॉग है, हम तुम में इतने छेद कर देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पादे कहां से। तो दोस्तों ये थे सल्लू भाईजान के वो डायलॉग जो हमारे दिल पर अभी भी राज करते हैं और सल्लू भाईजान की याद दिलाते हैं। और सल्लू भाईजान की अपकमिंग फिल्म आने वाली है राधे, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करेगी। आपको सल्लू की फिल्मों का कितना इंतजार रहता है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। सलमान की राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई का नया पोस्टर, इसी के साथ क्या रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है, कब धमाका मचाने वाली है राधे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जायल। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के एक्शन से भरपूर फिल्म राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। वहीं फैंस इस फिल्म की रिलीज डेट का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो अब सलमान के फैंस का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। सलमान ने अपनी इस ड्रामा, एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म के नए पोस्ट के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। आपको
बता दें सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी आने वाली फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई का नया पोस्ट शेयर करने के साथ ही फैंस को बताया कि ये फिल्म 13 मई 2021 को रिलीज की जानी है। फिल्म के नए पोस्टर को शेयर करते हुए सलमान खान ने कैप्शन में लिखा, ईद का कमिटमेंट किया था, ईद पर ही आएंगे क्योंकि इस बार जो मैंने किया है वो निभाएंगे। इस कैप्शन के साथ सलमान खान ने हैशटैग राधे ऑन 13th May, हैशटैग 2 months to Radhe हैशटैग का इस्तेमाल किया है। राधे और मोस्ट वांटेड भाई के नए पोस्टर में सलमान दबंग अंदाज में नजर आ रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं उन्होंने हाथ में बंदूक पकड़ी हुई है, वो नीचे की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी स्टनिंग ये तस्वीर है, जैसे कि सल्लू भाई सज्जान जैसे डैशिंग लगते हैं वैसे ही लग रहे हैं। फिल्म की बात करें तो इसमें सलमान खान के अलावा दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ जैसे अहम किरदार नजर आने वाले हैं। फिल्म को सलमान खान फिल्म्स ने जी स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है, जिसका निर्माण सलमा खान, सोहेल खान और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने किया। वहीं आपको बता दें फिल्म ईद के मौके पर 13 मई 2021 में रिलीज की जानी है। इसके अलावा सलमान खान फिल्म अंतिम में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान खान के साथ उनके बहनोई एक्टर आयुष शर्मा और साउथ इंडियन सिनेमा के जाने माने अभिनेत्री प्रज्ञा जायसवाल लीड रोल प्ले करने वाली है। प्रज्ञा ने कई सुपरहिट तेलुगु फिल्मों का दिया है और बहुत ही फैन फॉलोइंग है उनकी, जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, एक्टिंग की तारीफें की जाती है। और अब राधे और मोस्ट वांटेड भाई के जरिए वो धमाल मचाने को तैयार है। इसके अलावा इस फिल्म में जैकलिन का भी एक आइटम नंबर होने वाला है। वहीं दिशा पाटनी और सलमान की जो जोड़ी है, केमिस्ट्री है, वो भारत में भी दिख चुकी है एक गाने के जरिए। तो अब देखना होगा कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई कितना धमाका मचा पाती है। जो पब्लिक थिएटर में नहीं आ रही थी वो क्या खींची चली आएगी, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। और इसके पूरे आसार लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस बारे में, कितना इंतजार है राधे का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैसे लग रहे हैं बॉलीवुड के भाईजान अपनी अपकमिंग फिल्म के पोस्टर में? क्या राधे के साथ कोई और फिल्म भी करने वाली है बड़े पर्दे पर क्लैश? क्या इस मूवी को बहुत जल्द समय में ही घर बैठे दर्शक देख सकते हैं? हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ प्रगति शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही फिल्म राधे के बारे में। राधे फिल्म जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का पोस्टर भी अब रिलीज हो चुका है। जी हाँ, यह फिल्म ईद के दिन यानी 13 मई 2021 को रिलीज हो जाएगी। सलमान खान की फिल्म ज्यादातर ईद वाले दिन ही रिलीज की जाती है और फैंस को भी इस दिन का बेहद इंतजार भी रहता है। इस साल फिर से बॉलीवुड के मोस्ट वांटेड भाई ने अपना वादा निभाया है और अपनी फिल्म का पोस्टर इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा है, ईद का कमिटमेंट था, ईद पर ही आएंगे क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी। ये आधा डायलॉग शेयर कर सलमान खान ने अपनी फिल्म का रिलीज डेट भी रिलीज कर दिया है। पोस्टर देखने के बाद फैंस फिल्म को और भी ज्यादा जल्द ही बड़े पर्दे पर देखना चाह रहे हैं। अगर बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की तो फिल्म में सलमान खान के अलावा दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा और मेघा आकाश जैसे एक्टर्स हैं। इतना ही नहीं, फिल्म के लिए तो गौतम गुलाटी, सुनील ग्रोवर और चंकी पांडे के नाम भी सामने नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को एक साउथ कोरियन फिल्म द आउटलॉज का रीमेक बताया जाता है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रभु देवा और साथ ही फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं सलमान खान, सोहेल खान और अतुल अग्निहोत्री। आपको बता दें सलमान खान और प्रभु देवा ऑलरेडी वांटेड और दबंग 3 जैसी फिल्मों में भी साथ काम कर चुके हैं। राधे के अलावा सलमान खान के पास इस समय टाइगर 3, किक 2 और अंतिम द फाइनल ट्रूथ जैसी फिल्में भी हैं। इतना ही नहीं, सलमान खान शाहरुख खान की फिल्म पठान और आमिर खान की फिल्म लाल से चड्डा में कैमियो रोल करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 भी ईद के दिन यानी 13 मई को ही रिलीज होने वाली है। इसका मतलब यह है कि ईद के दिन इस बार 2 फिल्म रिलीज हो रही है और क्लैश भी करने वाली है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम के डबल रोल है। साथ ही फिल्म का पोस्टर जॉन ने ट्विटर पर शेयर कर लिखा है, इस बार ईद पर सत्य वर्सेस जया एज
लड़ेंगे इस साल दोनों भारत माँ के लाल। इतना ही नहीं, फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी इस फिल्म का 13 मई को रिलीज होने वाली बात पर पुष्टि की है और अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि लगता है इस बार ईद पर सलमान वर्सेस जॉन होने वाला है। राधे फिल्म की शूटिंग पूरी तरीके से 14 अक्टूबर 2020 को ही कंप्लीट हो चुकी है और इस बात का सबूत सलमान खान ने अपने YouTube अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए भी फैंस को दे दिया था। इतना ही नहीं, राधे या मोस्ट वांटेड भाई एक पहली फिल्म होगी जो कि फिल्म के रिलीज होने के बाद घर बैठे ही दर्शक सिर्फ 30 दिन के बाद ही देख पाएंगे। हाँ, यह फिल्म 30 दिन के बाद ही रिलीज हो जाएगी Zplex पर और उसके बाद Z5 पर भी हम देख सकते हैं। अपने घर के होम डिवाइसेस पर इतनी जल्दी यह पहली फिल्म होगी जो हम देख पाएंगे क्योंकि सलमान खान की फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई जी स्टूडियोज के साथ भी एसोसिएटेड है। इसलिए जी स्टूडियोज ने ट्विटर पे ट्वीट कर इस फिल्म के पोस्टर के साथ यह लिखा है, इस बार ईद राधे के साथ। यह एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म का म्यूजिक साजिद वाजिद, हिमेश रेशमिया और देव श्री प्रसाद ने कंपोज किया है। ईद के दिन अब एक नहीं दो दो फिल्म की ईदी मिलने वाली है फैंस को, पर अब देखना तो यह है कि इस फिल्म की टकरार में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल करती है। बॉलीवुड हॉलीवुड और टॉलीवुड की बाकी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियो। कैसे पड़ेगा KGF 2 से सलमान खान की राधे पर असर? क्या होगा सत्यमेव जयते 2 और राधे के कलेश का नतीजा? राधे प्रभु देवा द्वारा निर्देशित और सलमान खान, सोहेल खान और अतुल अग्निहोत्री द्वारा निर्मित एक आगमी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सलमान खान, दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ और मेघा आकाश शामिल है। यह फिल्म 13 मई 2021 को ईद उल फितर के साथ सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड जल्द ही बड़ी फिल्मों के रूप में एक मेगा क्लैश को गवा देने वाला है क्योंकि सत्यमेव जयते 2 और राधे एक ही दिन पर रिलीज होंगी। जॉन अब्राहम ने पहले संकेत दिया था कि उनकी फिल्म सत्यमेव जयते 14 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि उन्होंने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है कि फिल्म ईद 2021 के अवसर पर सिनेमाघरों में आएगी जो 13 मई को आएगी। यह भी घोषणा की गई है कि सलमान खान की फिल्म राधे द मोस्ट वांटेड भाई को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा, जैसा कि सलमान खान ने 2020 में वादा किया था। इन दोनों फिल्मों को शुरू में 2020 में रिलीज किया जाना था लेकिन महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण आगे धकेल दिया गया। बॉलीवुड में थिएटर में कलेश के कारण अक्सर एक कड़ी टक्कर में होता है जैसे पहले कभी ना हुआ हो। जैसे जैसे देश में गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सलमान खान स्टारर राधे और जॉन अब्राहम के सत्यमेव जयते 2 के बीच की बड़े ईद पे 2021 के टकराव के लिए चीजें गर्म हो रही हैं। सत्यमेव जयते के वितरक अनिल बदामी पहले से ही सीट बुक करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। थिएटर पर फिल्मों के क्लैश के दौरान ये अक्सर होता है लेकिन इस लड़ाई में अक्सर सबसे बड़ा नुकसान हारने वाली टीम के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का होता है और इसके लिए फिल्म्स ने अभी तक शर्त रखी है कि हर प्रदर्शक जो मुंबई सागा और KGF 2 को अपने थिएटर में प्रदर्शित करना चाहता है उसे सत्यमेव जयते को भी प्रदर्शन देना होगा। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल जब लक्ष्मी को ईद के दौरान राधे के साथ क्लैश करने के लिए सेलेक्ट किया गया था तब फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने बागी 3 के साथ फिल्म को स्क्रीन के साथ क्लब किया। आखिर में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राधे और लक्ष्मी के लिए 3:2 शोकेसिंग पैटर्न पर फैसला किया था, यानी कि अगर 3 शो राधे के रखते तो उन्हें लक्ष्मी के 2 शो रखने पड़ते। इसी तरह अनिल थड़ानी ने बाहुबली 2 के साथ फिल्म को क्लब करने काबिल खिलाफ रईस के लिए स्क्रीन को ब्लॉक कर दिया। सलमान खान का स्टारडम कुछ ऐसा है कि कोई भी सलमान की फिल्म के साथ क्लैश करने से डरता है। ऐसे में सत्यमेव जयते के मेकर्स हर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो राधे फिल्म को टक्कर दे सके। ये देखना दिलचस्प। तो मैं हूँ प्रियंका, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं राधे मूवी की। सत्यमेव जयते 2 में डबल रोल निभाते दिखेंगे क्या जॉन अब्राहम? जॉन अब्राहम इस ईद पर सलमान खान के साथ भिड़ेंगे। उनकी अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते 2 ईद के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी जिसकी सीधी टक्कर सलमान खान स्टारर राधे और मोस्ट वांटेड भाई से होने वाली है।
जॉन अब्राहम इन दिनों लगातार अपनी सत्यमेव जयते 2 को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ दिव्या खोसला कुमार मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं। फिल्म सत्यमेव जयते 2 देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आएगी, जिस कारण ट्रेड एक्सपर्ट्स भी इस फिल्म से अच्छी कमाई की उम्मीद कर रहे हैं। जॉन अब्राहम ने कुछ देर पहले ही अपनी अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते 2 का नया पोस्टर रिलीज करते हुए बताया है कि वो इसमें डबल रोल निभाते दिखेंगे। जॉन अब्राहम सत्यमेव जयते 2 के नए पोस्टर में 2 अलग अलग अवतारों में दिख रहे हैं। एक अवतार में उनके बदन पर पुलिस की वर्दी है, तो वहीं दूसरे अवतार में वो सिर्फ बनियान पहनकर एक्शन मोड में दिख रहे हैं। फिल्म के नए पोस्टर के साथ जॉन अब्राहम ने एक बार फिर से पक्का कर दिया है कि वो अपनी फिल्म को 13 मई के दिन रिलीज करेंगे। इसी दिन सलमान खान की राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई भी रिलीज होगी। राधे और सत्यमेव जयते 2 की टक्कर से बॉलीवुड को होगा करोड़ों का नुकसान। सलमान खान और जॉन अब्राहम दोनों ईद के मौके पर अपनी अपनी फिल्में रिलीज कर रहे हैं। ये सिनेमा प्रेमियों के लिए खुशी की बात है, लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट्स इससे महाक्लैश से परेशान हैं। कोरोना की वजह से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान पहले ही हो चुका है, और अब इस महाक्लैश की वजह से मेकर्स, सिनेमाघर मालिकों और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से जुड़े लोगों को करोड़ों का चूना लग सकता है। राधे और सत्यमेव जयते 2 दोनों ही मसालेदार फिल्में हैं, जिस कारण दर्शकों का बंटवारा होना लाजमी है। अब आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को राधे फिल्म के अलावा सलमान खान के पास इस समय कौन कौन से बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हैं? कौन है राधे फिल्म के निर्देशक और कब रिलीज होने वाली है ये फिल्म? हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ प्रगति शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल होली ब्लैक स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्म राधे के बारे में। बॉलीवुड के मोस्ट वॉन्टेड भाईजान ने ये वादा किया था कि उनकी फिल्म ईद पर ही रिलीज होगी, और भाईजान ने अपना ये वादा पूरा भी किया है, क्योंकि उनकी फिल्म राधे 13 मई 2021 को यानी ईद के दिन ही रिलीज होने वाली है। इतना ही नहीं, इस बात की पुष्टि सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट करते हुए दी है। जी हाँ, उन्होंने लिखा है, ईद का कमिटमेंट था, ईद पर ही आएंगे। पोस्टर को देखने के बाद फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। जहाँ कुछ फैंस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है, वहीं कुछ लोगों ने फिल्म के पोस्टर को लेकर ऑब्जेक्शन भी उठाए हैं। जी हाँ, लोगों का कहना है कि फिल्म राधे के पोस्टर को ब्रेक फिल्म के पोस्टर से कॉपी किया गया है। ब्रेक फिल्म 2012 में रिलीज की गई थी। यह एक अमेरिकन थ्रिलर फिल्म थी जिसका पोस्टर सलमान खान की नई फिल्म राधे से काफी मिलता जुलता है। राधे फिल्म के निर्देशक हैं प्रभु देवा, साथ ही फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं सलमान खान, सुहेल खान और अतुल अग्निहोत्री। इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज करने की जिम्मेदारी साजिद वाजिद, हिमेश रेशमिया और देवश्री प्रसाद को सौंपी गई है। साथ ही फिल्म को एडिट कर रहे हैं रितेश सोनी और इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं अया नाम का पोस्ट। बहुत सारी फिल्म इस साल कोविड-19 के कारण OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज की गई है, लेकिन सलमान खान चाहते थे कि उनके फैंस इस फिल्म का मजा थिएटर्स में ही लें, जिसके कारण सलमान खान ने थिएटर्स के मालिकों से बात कर फिल्म को थिएटर्स में ही रिलीज करने के लिए राजी कर लिया है। लेकिन इसके साथ सलमान खान ने अपने फैंस को एक रिक्वेस्ट भी की है कि कोविड-19 के दौरान कोविड के सारे नियमों का पालन जरूर किया जाए। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा और मेघा आकाश जैसे एक्टर्स भी हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म में गौतम गुलाटी, सुनील ग्रोवर और चंकी पांडे का नाम भी सामने नजर आ रहा है। राधे फिल्म पहले 22 मई 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण राधे फिल्म की डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था। इस फिल्म की शूटिंग 14 अक्टूबर 2020 में ही खत्म हो गई थी, जिसके बाद सलमान खान ने अपने YouTube अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया था। आपको बता दें, राधे फिल्म जी स्टूडियो के साथ भी एसोसिएटेड है। इतना ही नहीं, जी स्टूडियो के CEO शारिक पटेल ने इस फिल्म के बारे में भी लिखा है,
कि राधे फिल्म फैंस के भरोसे पर जरूर खड़ी उतरेगी और ये बॉक्स ऑफिस पर भी तबाही मचाएगी। सलमान खान के पास राधे के अलावा इस समय किट्टू, टाइगर 3 और कभी ईद कभी दिवाली जैसी फिल्में भी है। इतना ही नहीं, सुनने में तो यह भी आया है कि सलमान खान शाहरुख खान की फिल्म पठान में और आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में भी कैमियो रोल करते दिखाई दे सकते हैं। सलमान खान की फिल्म राधे का पोस्टर रिलीज होते ही फैंस तो काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, पर अब देखना यह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल करती है। बॉलीवुड टॉलीवुड और हॉलीवुड की बाकी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम और आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं ये कोई और नहीं बट सबके फेवरेट सलमान खान अपने भाईजान की मूवी है। सो इट्स अ मूवी राधे। यस, आई नो यू आर ऑल ईगरली वेटिंग फॉर द मूवी टू बी रिलीज, बट जैसे आप सभी जानते हैं सलमान भाई की मूवीज हमेशा ईद पर ही रिलीज होती हैं, तो राधे भी इसी साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। भारत की सफलता के बाद सलमान को प्रेरणा मिली थी कि उन्हें दक्षिण कोरियाई हिट द आउटलॉज के रीमेक के लिए दबंग 3 से असफलता को कवर करना है। इस तरह से मिल रही उन्हें कहानी अपनी फिल्म राधे के लिए चुनी थी। और आपको बता दें कि साउथ कोरियाई फिल्म द आउटलॉज में मांग होंग और यूए के संग जैसे कलाकार लीड रोल्स में थे, और वहीं फिल्म जो है राधे उसके बॉलीवुड रीमेक पर बनने जा रही है जिसमें सलमान खान दिशा पटानी जो है वो लीड रोल्स में। राधे शाह में हमें दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ जो है वो देखने को मिलेंगे। वहीं सलमान खान और प्रभु देवा भी अभिनेता निर्देशक की जोड़ी में हमें वापसी करने को देख सकते हैं। साथ ही फिल्म में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री मेघा आकाश भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। राधे के एक्शन सीन्स को दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट स्टार और स्टंटमैन क्वान को हॉन को कोरियोग्राफ करने वाले। आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा राधे फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और कैसा प्रदर्शन करेगी? आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपने फेवरेट फिल्मों के बारे में नई खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करिए। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में कौन करेगा एक्शन सीन्स को डायरेक्ट? कैसा देखने को मिलेगा हमें राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में कोरियाई एक्शन? दिशा पटानी आए दिन सुर्खियों में रहती है। दिशा की खूबसूरती से लोग कायल तो है ही, उनकी फिटनेस के भी लोग दीवाने हैं। जिस तरह दिशा अपनी खूबसूरती पर ध्यान देती है वैसे ही अपनी फिटनेस पर भी वो बहुत ध्यान देती है। दिशा अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर तो शेयर करती ही है, वो अपने फिटनेस से जुड़ी तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आए दिन शेयर करती है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज भी लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिशा पटानी एक दमदार वीडियो शेयर कर वुमेन्स डे की बधाई दी है। दिशा का ये वीडियो फिटनेस को हैरानी में डाल रहा है। पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, हैप्पी वुमेन्स डे, मुझे मजबूत बनाने के लिए शुक्रिया। पोस्ट में उन्होंने अपने गुरु का शुक्रिया अदा भी किया। दिशा की अगली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई है। फिल्म में वे सलमान खान के ऑपोजिट नजर आएंगी। ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। सलमान खान ने अपनी ईद 2021 के मौके पर राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को 4 नवंबर को मुंबई के एक स्टूडियो में दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा के साथ जोड़ा। फिल्म की शूटिंग तेज गति से चल रही है जिसमें बताया गया है कि निर्देशक प्रभु देवा को फिल्म के कलाकारों की टुकड़ी में शामिल होने के लिए दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध अभिनेता मिल गए हैं। सलमान ने राधे में एक्शन दृश्यों को समेटने के लिए एक कोरियन स्टंट टीम को भी साइन किया है। राधे कोरियाई क्राइम थ्रिलर द आउटलेस की आधिकारिक रीमेक है। निर्माताओं ने फिल्म की ओरिजिनल कहानी को बरकरार रखा है। हालांकि उन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए स्क्रिप्ट बनाने के लिए फिल्म की स्क्रिप्ट को चारों ओर आधारित किया है। सलमान ने अपनी टीम को एक्शन दृश्यों के लिए भरपूर मेहनत करने की सलाह दी है और इसलिए उन्होंने कोरियाई टीम को बोर्ड पर ले जाने की फैसला किया। इस हफ्ते फिल्म की स्टार का सलमान खान, दिशा पठानी और रणदीप हुडा बिग बॉस 14 के मंच पर साथ नजर आए। दिशा और रणदीप वीकेंड के वार पर विशेष अतिथि के तौर पर आए थे। शो की शुरुआत फिल्म भारत से सलमान खान और दिशा पटानी द्वारा सॉन्ग स्लो मोशन पर एक डांस के साथ हुई। शो में जब दिशा से सलमान खान के साथ काम करने के उनके अनुभव के बारे में पूछा गया तो दिशा पटानी ने कहा, वो शुरुआत में घबराई हुई थी लेकिन उनके साथ काम करना एक शानदार अनुभव था। साथ ही उनके कॉमिक स्टाइल की भी तारीफ करते हुए नजर आई।
राधे योर मोस्ट वांटेड भाई किस तरह सीधे सलमान के फैंस तक पहुंचेगी, समझिए कैसे मोबाइल पर मिलेगी ये फिल्म। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। सलमान खान ने ईद का कमिटमेंट था, ईद पर ही आएंगे, क्योंकि एक बार जो मैंने कहकर अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की ईद पर रिलीज का बीते हफ्ते ऐलान तो कर दिया, लेकिन देश में तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना के डर के मारे अब भी सिनेमा घरों तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे लोगों की सहूलियत के लिए अब फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई खुद चलकर उनके घर आने की तैयारी में है। फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज करने के बाद जल्द से जल्द इसका डिजिटल संस्करण भी रिलीज करने की योजना पर काम शुरू किया गया है। सलमान खान ने अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के रिलीज की तारीख कंफर्म करने के साथ साथ फिल्म का एक नया पोस्टर भी बीते शनिवार को जारी किया। साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म दबंग 3 के बाद राधे योर मोस्ट वांटेड भाई उनके अगले फिल्म होगी जो सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। राधे साल 2021 की बहुप्रतीक्षित फिल्म है और इसके ठीक 2 हफ्ते पहले अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी भी रिलीज हो रही है। जानकारी के मुताबिक सलमान खान की फिल्म राधे के वितरण अधिकार जिस कंपनी ने खरीदे हैं उसमें पिछले कई दिन से फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की रणनीति बन रही है। हिंदी फिल्मों की कमाई के देश में 3 सबसे बड़े बाजार हैं। इनका नामकरण दिल्ली यूपी मार्केट, मुंबई मार्केट और ईस्ट पंजाब मार्केट दर्शकों में चल रहा है। इन बाजारों में कोरोना हाल के दिनों में फिर से जोर पकड़ने लगा है, ऐसे में सिनेमा घरों में आने शुरू हुए दर्शकों की तादाद फिर कम हो जाने की आशंका है। इसी आशंका को देखते हुए फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई खरीदने वाली कंपनी जी स्टूडियोज ने समानांतर रणनीतियों पर काम शुरू किया है। फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में सलमान खान के साथ तीशा पाटनी, रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ खास किरदारों में हैं। ये फिल्म सलमान खान की सुपरहिट फिल्म वांटेड का अनादाकारिक सिक्वल भी बताई जा रही है। इस फिल्म को भी कोरियोग्राफर से निर्देशक बने प्रभु देवा ने निर्देशित किया है। फिल्म को पहले यशराज फिल्म्स देश दुनिया में रिलीज करने वाली थी, पर डील पक्की होने से ठीक पहले ही सलमान खान ने जी समूह को बेच दी। साल 2021 में सलमान खान एक और फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ में भी नजर आने वाले हैं। ये फिल्म वे अपनी बहनोई आयुष शर्मा के लिए बना रहे हैं। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में भी उनका एक दमदार कैमियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब को जानने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ दिखने वाले हैं सलमान और शाहरुख। कितना जरूरी है राधे फिल्म की कहानी के लिए शाहरुख का किरदार। उस फिल्म के लिए अक्सर लोग एक्साइटेड होते हैं जब उस फिल्म में अच्छे गाने, बड़े सितारे या फिर कोई रोचक कहानी हो। हम अक्सर एक फिल्म के ट्रेलर से इसी बात का पता लगाते हैं। एक तरफ आजकल फिल्म इंडस्ट्री में एक लीड एक्टर और एक्ट्रेस से ज़्यादा बड़ी कास्ट का चलन है, चाहे फिल्म में लव ट्रायंगल हो या फिर कोई कनेक्शन। जब भी किसी फिल्म में 2 से ज़्यादा बड़े सितारे एक साथ दिखते हैं तो पब्लिक उसे फिल्म के लिए एक्साइटेड हो जाती है। एक समय के करण अर्जुन के फैंस अभी भी उन्हें बड़े सिल्वर स्क्रीन पर साथ देखना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये संभव नहीं है क्योंकि अब ये दोनों बहुत ही मशहूर हस्तियां बन चुके हैं और सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते हैं, इसलिए उनके पास काफ़ी फिल्में हैं और उन पर काम करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास बहुत काम है इसलिए हम उन्हें किसी भी फिल्म में एक साथ लीड रोल्स में नहीं देख सकते, लेकिन हम उन्हें एक साथ देख सकते हैं बस एक दूसरे की फिल्मों के कैमियोज में। ये सलमान और शाहरुख की जोड़ी ही तो है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज कर रही है। उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन बहुत कम फिल्में ऐसी हैं जिनमें दोनों के साथ काम किया है। सलमान खान और शाहरुख खान ने पहले भी एक दूसरे को फिल्मों को बढ़ावा दिया है। शाहरुख ने सलमान की 2017 की फिल्म ट्यूबलाइट में कैमियो में अभिनय किया था, जिसके बाद सलमान ने शाहरुख की फिल्म जीरो में कैमियो के साथ वापसी की। 90 के दशक में सलमान ने शाहरुख की 1998 की सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है में गेस्ट अपीयरेंस निभाई थी। सलमान ने शाहरुख की 1998 की फिल्म कुछ कुछ होता है में कैमियो भी किया था। शाहरुख ने भी सलमान की हर दिल में जो प्यार करेगा को एक विशेष भूमिका निभाई थी। शाहरुख और सलमान 1995 की मशहूर फिल्म करण अर्जुन के को एक्टर्स थे
और 2002 की हम तुम्हारे हैं सनम में भी साथ दिखाई दिए, लेकिन अब लगता है कि फिल्म इनकी जोड़ी में हमें फिर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि सलमान खान की प्रभुदेवा के साथ आ रही है फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े एक्टर्स अगर किसी फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं तो उस फिल्म के लिए लोगों को एक्साइटमेंट देखना लायक होगा। हम भी इस फिल्म के लिए बहुत उत्साहित हैं, और आपका क्या कहना है इस बारे में? ये कहानी लिखी है दोस्तों सलमान खान ने। ईद का कमिटमेंट था ईद पर ही आएंगे, क्योंकि एक बार जो मैंने डैश 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 कहकर अपनी फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की ईद पर रिलीज का बीते हफ्ते ऐलान तो कर दिया, लेकिन देश में तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना के डर के मारे अभी भी सिनेमा घरों तक जाने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों की सहूलत के लिए अब फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई खुद चलकर उनके घर आने की तैयारी में है। फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज करने के बाद जल्द से जल्द इसका डिजिटल संस्करण भी रिलीज करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। सलमान खान ने अपनी फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज की डेट कंफर्म करने के साथ साथ फिल्म का एक नया पोस्टर भी बीते शनिवार को जारी किया। साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म दबंग 3 के बाद राधे और मोस्ट वांटेड भाई उनकी अगली फिल्म होगी जो सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। राधे और मोस्ट वांटेड भाई साल 2021 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, और इसके ठीक दो हफ्ते बाद अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी भी रिलीज हो रही है। जानकारी के मुताबिक सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई के ऑनलाइन राइट्स जिस कंपनी ने खरीदे हैं उसमें पिछले कई दिनों से फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की रणनीति बन रही है। हिंदी फिल्मों की कमाई के देश में 3 सबसे बड़े बाजार हैं। इनका नाम है दिल्ली यूपी मार्केट, मुंबई मार्केट और ईस्ट पंजाब मार्केट, जो कि दशकों से चला आ रहा है। इन बाजारों में कोरोना हाल के दिनों में फिर से जोर पकड़ने लगा है। ऐसे में सिनेमाघरों में आने शुरू हुए दर्शकों की तादाद फिर से कम हो जाने की आशंका भी है। इसी आशंका को देखते हुए फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई खरीदने वाली कंपनी जी स्टूडियो ने समांतर रणनीतियों पर काम करना शुरू किया है। राधे और मोस्ट वांटेड भाई के लिए तमाम सिनेमाघरों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। समझा जा रहा है कि सभी लैंग्वेजेस को मिलाकर ये फिल्म करीब 5,000 स्क्रीन्स पर एक साथ रिलीज हो सकती है। बॉक्स ऑफिस की सारी कमाई दो हफ्तों में बटोरने के बाद कंपनी इसे अपने समूह के OTT पर रिलीज करने की तैयारी में है। जी स्टूडियो का OTT प्लेटफॉर्म Zee5 है। इस पर पहले भी नई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। इसी कंपनी का एक नया चैनल है Zee Packs, जहां नई फिल्मों को ग्राहकों से अतिरिक्त कीमत लेकर रिलीज किया जाता है। सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की डिजिटल रिलीज करने के पीछे सोच यही काम करिए कि ऐसा करके फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसे Zee5 के ग्राहकों के सालाना शुल्क में ही दिखाए जाने से पहले एक मोटी कमाई इसे रिलीज के कुछ हफ्तों बाद पे पर व्यू मतलब कि एक बार देखने की फीस के तहत रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। वेल दोस्तों, देखा जाए तो ये आइडिया बहुत ही माइंड ब्लोइंग आइडिया है, क्योंकि सभी लोग आजकल OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में देखना पसंद करते हैं, और हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं डे बाय डे। अब ऐसे में देखा जाए तो सभी लोग Amazon Netflix के अपने अपने मंथली सब्सक्रिप्शन लेकर बैठे हैं, लेकिन सलमान खान की इस फिल्म को लोग जरूर देखना चाहेंगे, इसीलिए पे पर व्यू यानी कि सिर्फ एक बार देखने वाली फीस सही है। लोग इससे खींचे चले आएंगे और सलमान खान की फिल्म की कमाई में 4 चांद लगाएंगे। वेल, क्या आप इसे सिनेमाघरों में देखने जाने वाले हैं या फिर मोबाइल पर Zee5 पर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें। ईद के मौके पर इस बार डबल धमाका होने वाला है। ऐसी चर्चाएं थी कि सलमान खान की राधे और मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज डेट आने के बाद से जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते की रिलीज डेट बदल जाएगी, लेकिन लगता है कि दोनों फिल्में मेकर्स ने सीधी टक्कर लेने का प्लान बना लिया है। सत्यमेव जयते 2 अब 14 मई के बजाय 13 मई को ही रिलीज होगी, यानी कि उसी दिन जिस दिन सलमान खान की राधे रिलीज हो रही है। जॉन अब्राहम ने बुधवार को फिल्म के नए पोस्टर के साथ रिलीज डेट बदल जाने की घोषणा की है। जॉन अब्राहम ने बुधवार को ट्विटर पर सत्यमेव जयते का नया पोस्टर रिलीज किया। उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा, इस ईद सत्य वर्सेस जय लड़ेंगे। इस साल दोनों भारत माँ के लाल सत्यमेव जयते 2 ईद पर 13 मई को रिलीज हो रही है। जॉन अब्राहम के इस ट्वीट के साथ ही साफ हो गया कि इस बार ईद पर घमासान मचने वाला है। खास बात यह है कि सलमान खान की राधे और जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2 दोनों ही एक्शन फिल्में हैं, यानी इस बार ईद पर एक्शन का भी डबल डोज मिलने वाला है।
सलमान खान की ईद रिलीज के रिकॉर्ड को देखते हुए शुरुआती आंकलन यही है कि बॉक्स ऑफिस पर दबंग खान का पलड़ा भारी है। हालांकि ये देखना भी दिलचस्प होगा कि सत्यमेव जयते 2 टिकट खिड़की पर राधे को कितना नुकसान पहुंचा पाती है। दोस्तों एक और मजेदार की बात यह है कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई और सत्यमेव जयते 2 दोनों ही सीक्वल फिल्में हैं। राधे जहां 2009 में आई सुपरहिट फिल्म वांटेड का सीक्वल है, वहीं सत्यमेव जयते 2 साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म सत्यमेव जयते का सीक्वल है। राधे को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया है, वहीं सत्यमेव जयते 2 को मिलाप जावेरी ने। दोनों ही मेकर्स अपनी अपनी फिल्मों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस है, ऐसे में दर्शक का प्यार किसे ज्यादा मिलता है ये देखने वाली बात होगी। वेल दोस्तों आप किस फिल्म को देखने वाले हैं सबसे पहले और किसको सपोर्ट कर रहे हैं, सलमान खान को या फिर जॉन अब्राहम को? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। कब तक आने वाली है सलमान खान की फिल्म? कौन सा पोस्टर रिलीज हुआ है हाल ही में? क्या स्टोरी लाइन होगी फिल्म की? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है। मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज की इस नई वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म राधे की। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपके सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर अपनी फेवरेट मूवीज या सीरीज से रिलेटेड पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस आराम से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। राधे बॉलीवुड की एक आगामी एक्शन ड्रामा है जो प्रभु देवा द्वारा निर्देशित है। फिल्म में सलमान खान, दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के निर्माता सोहेल खान, अतुल अग्निहोत्री और सलमान खान हैं। फिल्म की घोषणा 18 अक्टूबर 2019 को ही की गई थी। फिल्म की शूटिंग 1 नवंबर 2019 को लोनावला में शुरू हुई थी, जिसके बाद ये फिल्म 22 मई 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन देश भर में महामारी के कारण इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया था और अब ये फिल्म 13 मई 2021 में रिलीज होगी। सलमान खान की फिल्में एक्शन ड्रामा एंटरटेनमेंट का पर्याप्त है और दर्शकों को राधे और मोस्ट वांटेड भाई के साथ बड़े पर्दे पर उनके आने का बहुत बेसब्री से इंतजार है। प्रभु देवा द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा 2021 की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक है और फिल्म के नवीनतम पोस्टर में हमें अधिक उत्साहित कर दिया है। फिल्म की रिलीज के ठीक 2 महीने का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में सलमान खान के एक नए पोस्टर रिलीज किया जहां वो एक फियर्स लेकिन स्लिक अवतार में नजर आ रहे हैं। अब जलते हुए हेलीकॉप्टर और तोपखाने के साथ युद्ध के मैदान के बैकग्राउंड के साथ वो एकदम नमदार फिजिक में पहले से कहीं ज्यादा हॉट दिखाई दे रहे हैं। अब पोस्टर में एक क्लासिक सलमान खान के सभी तत्व हैं और ये एक बड़ी एंटरटेनर होने का वादा करती है। जलते हुए हेलीकॉप्टर और युद्ध के मैदान के बैकग्राउंड के साथ सलमान खान का ये दमदार फिजिक हम सब की आंखों का तारा बन चुका है। पोस्टर में भी क्लासिक सलमान खान ने जैसे कि एलिमेंट्स मौजूद हैं और ये फिल्म हम सबको दिखा देती है कि ये फिल्म पूरी एंटरटेनर होने के लिए परफेक्ट है। फिल्म के पोस्टर में साफ दिखाई दे रहा है कि राधे में जोरदार एक्शन का डोज दर्शकों को मिलेगा। फिल्म के बारे में बात करते हुए जी स्टूडियोज ने CBO शारिक पटेल से कहा, हम सलमान खान की इस फिल्म के माध्यम से सिनेमा घरों में दर्शकों को वापस लाने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है क्योंकि उनकी फिल्म उत्सव का माहौल बनाती है। ये 2021 की सबसे बड़ी फिल्म होगी और हम दर्शकों का समर्थन प्रतिक्रिया देखने के लिए काफी उत्सुक है। मुझे यकीन है कि कठिन वर्ष के बाद ये प्रशंसकों के लिए खुशी का मौका होगा। राधे और मोस्ट वांटेड भाई सलमान प्रशंसकों और सिनेमा प्रेमियों के लिए एकदम परफेक्ट ईद होगी। इसके साथ ही सलमान खान फिल्म से एक प्रवक्ता ने कहा, सलमान खान और ईद का एक स्पेशल कनेक्शन है और सलमान खान फिल्म में हमें राधे और मोस्ट वांटेड भाई के साथ इस परंपरा को जारी रखते हुए खुशी का महसूस हो रहा है। अब हम ताली बजाने, सीटी बजाने और हाउसफुल के युग को वापस लाने के लिए उत्सुक है, जिसके लिए सलमान खान की फिल्म के लिए आ जाना ही अपने बड़े में बहुत बड़ी बात है। अब प्रभु देवा के निर्देशन में बनी राधे और मोस्ट वांटेड भाई 2009 में आई वांटेड की सीक्वल है, जिसमें सलमान ने IPS राजवीर सिंह शेखावत उर्फ राधे का किरदार निभाया था।
उस फिल्म को भी प्रभु देवा ने ही निर्देशित किया था। रिपोर्ट्स की माने तो राधे और मोस्ट वांटेड भाई कोरियन फिल्म आउटलॉज की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। फिल्म में दिशा पाटनी, रणदीप हुडा, जैकी श्रॉफ और जरीना वहाब भी अहम भूमिका में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, इस बार ईद पर अपने फैंस के लिए कौन सी मूवी लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड के भाईजान? इस फिल्म में कौन सी लीड एक्ट्रेस होंगी सलमान खान के ऑपोजिट? क्या इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है और यह फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है? हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ प्रगति शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही फिल्म राधे के बारे में। जी हाँ, राधे फिल्म का इंतजार तो सभी को था और फाइनली अब सलमान खान के फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है। राधे फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए बॉलीवुड के मोस्ट वांटेड भाई ने ऐलान कर दिया है कि उनकी फिल्म राधे ईद के दिन यानी 13 मई 2021 को ही रिलीज होगी। इतना ही नहीं, सलमान खान ने पोस्ट को शेयर करते हुए यह भी लिखा है, ईद का कमिटमेंट था, ईद पर ही आएंगे, क्योंकि एक बार जो सलमान खान ने कमिटमेंट कर दी तो फिर भाई जान किसी की भी नहीं सुनते। इस फिल्म के डायरेक्टर है प्रभु देवा और साथ ही फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं सलमान खान, सुहेल खान और अतुल अग्निहोत्री। आपको बता दें सलमान खान और प्रभु देवा ऑलरेडी वॉन्टेड और दबंग 3 जैसी फिल्मों में भी साथ काम कर चुके हैं। अगर बात करें फिल्म की लीड कास्ट की तो फिल्म में सलमान खान, दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा और मेघा आकाश जैसे बड़े कलाकार हैं। दिशा पाटनी सलमान खान की मूवी भारत में सलमान खान के साथ ऑलरेडी एक आइटम डांस नंबर कर चुकी है। जी हाँ, इस गाने का नाम था स्लो मोशन में और इस गाने में सलमान खान और दिशा की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी। इस फिल्म को एडिट कर रहे हैं रितेश सोनी। वही दूसरी ओर फिल्म के सिनेमेटोग्राफर है आया नाम का बोस। इस फिल्म का म्यूजिक साजिद वाजिद, हिमेश रेशमिया और देव श्री प्रसाद ने कंपोज किया है। इतना ही नहीं, सुनने में तो यह भी आया है कि यह फिल्म एक साउथ कोरियन मूवी द आउटलॉज का रीमेक है। यह एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म के पोस्टर में सलमान खान के हाथ में बंदूक है। पोस्टर देखने के बाद सलमान खान के फैंस फिल्म देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सलमान खान पहले संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह में आलिया भट्ट के साथ काम करने वाले थे, लेकिन जब एक खबर सामने आई कि इंशाअल्लाह फिल्म नहीं बन रही है तो सलमान खान ने 18 अक्टूबर 2019 को ही अपनी नई फिल्म राधे की अनाउंसमेंट कर दी थी। राधे फिल्म की शूटिंग पूरी तरीके से 14 अक्टूबर 2020 को ही कम्प्लीट हो चुकी है। जी हाँ, इस बात का ऐलान सलमान खान ने अपने YouTube अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कर दिया था। सुनने में तो यह भी आया है कि इस फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस एक स्पेशल डांस नंबर करने वाली है। साथ ही इस फिल्म में जैकी श्रॉफ एक सीनियर इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाले हैं और दिशा पाटनी उनकी बहन का किरदार निभाएंगी। इसके अलावा फिल्म में गौतम गुलाटी, जरीना वाहब और अर्जुन कानू को भी देखने वाले हैं। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा नेगेटिव किरदार में दिखने वाले हैं, यानी विलन का किरदार निभाने वाले हैं। रणदीप हुड्डा इससे पहले सलमान खान के साथ किक मूवी में भी दिख चुके हैं। इस फिल्म का बजट अराउंड 114 करोड़ रुपीज बताया जा रहा है। साथ ही इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 380 करोड़ रुपीज एस्टिमेट किया जा रहा है। इससे पहले सलमान खान की फिल्म भारत का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 325 करोड़ रुपीज रहा था। सलमान खान की फिल्म राधे के लिए तो फैंस काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, पर अब देखना यह है कि ईद पर रिलीज हो रही है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल करती है। ईद का कमिटमेंट था, ईद पर ही आएंगे, क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी। अपनी सुपरहिट फिल्म वांटेड का डायलॉग आधा दोहराते हुए सलमान खान ने शनिवार को ठीक 2 महीने बाद के शुक्रवार को अपनी फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज डेट के शगुन का ऐलानिया इजहार कर दिया है। अरसे से चर्चा हो रही कि ये फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है, लेकिन सलमान खान की तरफ से इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब जाकर हुई है। सलमान खान इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। दोस्तों देखा जाए तो 33 साल से फिल्मों में काम कर रहे 55 साल के सलमान खान ने अपनी फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज की तारीफ कंफर्म करने के साथ साथ फिल्म का नया पोस्टर भी शनिवार को जारी किया। पोस्टर की बात करें तो पोस्टर में एक हेलीकॉप्टर पर होते हैं हमले, कांच के हवा में उड़ते टुकड़े हैं, गोलवर था में सलमान खान है और स्याह होता दिखता उनके दाहिने हाथ का फिरोजी स्टोन है। साल 2020 में सलमान खान की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। अपने पनवेल स्थित फॉर्म पर कोरोना काल में सलमान ने
म्यूजिक वीडियोस और गाने बनाए, फिर बिग बॉस में नजर आए। लेकिन साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म दबंग 3 के बाद राधे योर मोस्ट वांटेड भाई उनकी अगली फिल्म होगी जो सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। देखा जाए तो अपने पिछली कुछ फिल्मों में एक्शन, इमोशन, ड्रामा और आइटम नंबर्स का कॉकटेल फॉर्मूला लगातार बना रहे हैं सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। साल 2021 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। इससे ठीक दो हफ्ते पहले अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी भी रिलीज हो रही है। राधे और मोस्ट वांटेड भाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर जॉन अब्राहम कुश्ती लड़ेंगे। जॉन की सत्यमेव जयते 2 उसी दिन रिलीज हो रही है। फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई में सलमान खान के साथ दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ खास कैरेक्टर्स में नजर आएंगे। ये फिल्म सलमान खान की सुपरहिट फिल्म वांटेड की अनऑफिशियल सीक्वल है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं प्रभु देवा। फिल्म को पहले यशराज फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहा था, प्रेजेंट कर रहा था, लेकिन डील पक्की होने से ठीक पहले यह फिल्म सलमान खान ने जी चैनल को बेच दिया। अब जी स्टूडियो इसे सिनेमाघरों में रिलीज करेगी और OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज करेगी। इसके बाद देखें तो सलमान खान साल 2021 में एक और फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ में भी नजर आएंगे। ये फिल्म वो अपने आयुष शर्मा के लिए बना रहे हैं। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में भी उनका एक कैमियो है। अगले साल सलमान खान दो खतरनाक एक्शन फिल्मों में दिखने वाले हैं, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की पठान और एक धमाकेदार फ्रेंचाइजी सुपर डुपर हिट सीरीज टाइगर 3 में नजर आएंगे। वेल दोस्तों, आपको कैसा लगा पोस्टर नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। कैसा है सलमान की राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का नया पोस्टर? इसी के साथ क्या रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है? कब धमाका मचाने वाली है राधे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाय। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की एक्शन से भरपूर फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। वहीं फैंस इस फिल्म की रिलीज डेट का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो अब सलमान के फैंस का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। सलमान ने अपनी इस ड्रामा, एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म के नए पोस्ट के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी आने वाली फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई का नया पोस्ट शेयर करने के साथ ही फैंस को बताया कि ये फिल्म 13 मई 2021 को रिलीज की जानी है। फिल्म के नए पोस्टर को शेयर करते हुए सलमान खान ने कैप्शन में लिखा, ईद का कमिटमेंट किया था, ईद पर ही आएंगे क्योंकि इस बार जो मैंने किया है वो निभाएंगे। इस कैप्शन के साथ सलमान खान ने #RadheOn13May #2MonthsToRadhe # का इस्तेमाल किया है। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के नए पोस्टर में सलमान दबंग अंदाज में नजर आ रहे। तस्वीर में आप देख सकते हैं उन्होंने हाथ में बंदूक पकड़ी हुई है, वो नीचे की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी स्टनिंग ये तस्वीर है, जैसे कि सल्लू भाई जान जैसे डैशिंग लगते हैं वैसे ही लग रहे हैं। फिल्म की बात करें तो इसमें सलमान खान के अलावा दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ जैसे अहम किरदार नजर आने वाले हैं। फिल्म को सलमान खान फिल्म्स ने जी स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है, जिसका निर्माण सलमा खान, सोहेल खान और रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने किया। वहीं आपको बता दें, फिल्म ईद के मौके पर 13 मई 2021 में रिलीज की जानी है। इसके अलावा सलमान खान फिल्म अंतिम में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान खान के साथ उनके बहनोई एक्टर आयुष शर्मा और साउथ इंडियन सिनेमा के जाने माने अभिनेत्री प्रज्ञा जायसवाल लीड रोल प्ले करने वाली है। प्रज्ञा ने कई सुपरहिट तेलुगु फिल्मों का दिया है और बहुत ही फैन फॉलोइंग है उनकी, ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, एक्टिंग की तारीफें की जाती है। और अब राधे और मोस्ट वांटेड भाई के ज़रिए वो धमाल मचाने को तैयार है। इसके अलावा इस फिल्म में जैकलिन का भी एक आइटम नंबर होने वाला है। वहीं दिशा पाटनी और सलमान की जो जोड़ी है, केमिस्ट्री है, वो भारत में भी दिख चुकी है एक गाने के ज़रिए। तो अब देखना होगा कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई कितना धमाका मचा पाती है। जो पब्लिक थिएटर में नहीं आ रही थी वो क्या खींची चली आएगी, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। और इसके पूरे आसार लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस बारे में, कितना इंतजार है राधे का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैसे स्टंट करते हुए नजर आएंगी दिशा पाटनी राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में? क्या जलवा दिखाया दिशा पाटनी ने वुमेन्स डे के मौके पर? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में।
आज समाज में लड़कियां हर एक फील्ड में पुरुष को टक्कर दे रही हैं और उन्हें साथ ही पीछे भी छोड़ रही हैं। पढ़ाई से लेकर खेल और मनोरंजन जगत में भी महिलाओं का डंका बज रहा है। एक समय होता था जब बॉलीवुड में एक्शन सीन्स सिर्फ मेल्स ही किया करते थे, मगर आज बॉलीवुड के पास दिशा पाटनी जैसी फिटनेस फ्रीक और बेबाक एक्टर्स हैं, जो एक्शन से लोगों के होश उड़ा देने का दमखम रखती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की खूबसूरती के लाखों लोग दीवाने हैं, लेकिन उनके खूबसूरती से भी ज्यादा आजकल उनकी फिटनेस और स्टंट के चर्चे हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन दिशा अपनी फिटनेस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अब एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया जो लोगों को हैरान कर रहा है। इस वीडियो में दिशा पाटनी एक खतरनाक स्टंट करती नजर आ रही हैं। तो क्या था ये खतरनाक स्टंट, चलिए हम आपको बताते हैं। दिशा पाटनी ने अपने इंस्टाग्राम वॉल पर एक दमदार वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह मार्शल आर्ट का हुनर दिखाकर लोगों से तारीफें बटोर रही हैं। दिशा ने यहाँ शानदार तरीके से डबल राउंड हाउस किक को करके दिखाया है। वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए दिशा ने कैप्शन में अपने ट्रेनर के लिए थैंक्स भी दिया। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है, हैप्पी वुमेन्स डे, मुझे मजबूत बनाने के लिए शुक्रिया राकेश यादव। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो स्पिनिंग हुक किक करती नजर आ रही हैं। वे इतने परफेक्ट अंदाज में किक कर रही हैं जिसे इंसान एक बार देखे तो बार बार देखना चाहे। शायद बॉलीवुड के कई सारे फिटनेस फ्रीक एक्टर्स भी इतने परफेक्शन के साथ ये ना कर पाएंगे। वैसे दिशा पाटनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वक्त वक्त पर वे अपने कौशल के कई सारे नमूने फैंस संग शेयर करती रहती हैं। दिशा पाटनी भारत के बाद दूसरी बार सलमान खान के साथ राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में नजर आने वाली है। ये फिल्म इस साल यानी 2021 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें कि राकेश यादव ने ही दिशा को उनकी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के लिए ट्रेन किया है। इसका ये मतलब है कि दिशा ने ये स्टंट राधे के लिए ही सीखा होगा। फिल्म में दिशा खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आने वाली है। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई फिल्म एक हाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है और सलमान तेरे नाम और वांटेड के बाद तीसरी बार राधे की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि फिल्म को इतने पिछले दो अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिल्म में वांटेड और तेरे नाम जैसा ही एक्शन देखने को मिल सकता है। हम तो इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं। और क्या दर्शक हो चुके हैं सलमान खान के पुलिस वाले किरदार से बोर, और क्या था राधे फिल्म का पहला टाइटल, क्यों भरे गए राधे में तेरे नाम और वांटेड में सलमान के किरदार के रंग। दोस्तों नमस्ते सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं निशिका त्यागी। तो सलमान खान फिल्म दबंग 3 के लिए फिर पुलिस अफसर बनने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम होगा राधे। फिल्म के नाम से कहीं इसका तेरे नाम वाला सीक्वल होने का भ्रम ना हो, इसके लिए अब फिल्म का पूरा नाम होगा राधे यू मोस्ट वांटेड भाई। आपको बता दें कि सलमान खान अपने कप यूनिवर्स की फिल्म में काफी मशहूर रही हैं। बतौर हीरो अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के तुरंत बाद सलमान खान अपनी दूसरी फिल्म पत्थर के फूल में पुलिस अफसर बने थे। अब सलमान खान की अंडर कवर कप वाली फिल्म वांटेड भी उनके फैंस को बेहद पसंद आई थी। अब पुलिस ऑफिसर के किरदार वाली उनकी दबंग सीरीज की तीसरी फिल्म 2019 में 20 दिसंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म दबंग 3 के निर्देशक प्रभुदेवा से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने दबंग 3 के पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा करने के साथ साथ फिल्म राधे की शूटिंग के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। फिल्म का मुहूर्त शॉट मुंबई में 4 नवंबर को फिल्माया गया था और इसी के साथ फिल्म का पहला शेड्यूल भी शुरू हुआ था। 4 नवंबर को गोपाष्टमी थी और इस दिन फिल्म शुरू करने का बहुत शुभ मुहूर्त निकाला गया था। आपको बता दें कि फिल्म राधे यू मोस्ट वांटेड भाई कुछ साल पहले रिलीज हुई कोरियन फिल्म द आउटलॉज की आधारित हिंदी रिमेक होगी और इसके लिए राइट शादी खरीदने की प्रक्रिया सलमान खान के वकील पूरी कर चुके हैं। आपको बता दें कि फिल्म को पूरी तरह से फिर से भारतीय पृष्ठभूमि में लिखा गया है और इसमें सलमान खान का खास टच देने के लिए फिल्म तेरे नाम और वांटेड के सलमान खान के किरदारों के रंग भी इसमें भरे गए हैं। अब सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म राधे को लेकर काफी एक्साइटेड है।
इस फिल्म को लेकर सलमान ने कई बड़े नियम बनाए हैं, जिन्हें फॉलो किया जा रहा है। हर क्रू मेंबर वे सेट पर काम कर रहे अन्य लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब सलमान नहीं चाहते कि राधे की रिलीज से पहले उसे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी सेट से बाहर जाए। अब यही वजह है कि सलमान ने एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 15 नियम बनाए हैं, जिसमें कचरा फैलाने पर प्रतिबंध, फोटो खींचने पर बैन, दूसरों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग और काम करने के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाने पर जोर जैसे नियम शामिल हैं। आपको बता देते हैं कि पहले इस फिल्म का नाम राधे यू मोस्ट वॉन्टेड कब था, लेकिन फिर बाद में इसका नाम राधे यू मोस्ट वॉन्टेड भाई में बदल दिया गया है। अब क्या वजह थी इस नाम में बदलाव की, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि फिल्म भी सलमान खान की बाकी फिल्मों की तरह एक ब्लॉकबस्टर हिट होगी। अब तो हम फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और आप तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और हम करते हुए नजर आई दिशा राधे फिल्म में कैसे बनेगी टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी टाइगर के पिता की बहन। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका पॉलीग्राफ स्टूडियो में। कोरोना और लॉकडाउन के कारण देश के कई सेक्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सिनेमा हाउस भी उन्हीं सेक्टर्स में शामिल है जिन्हें कोरोना के कारण बहुत नुकसान झेलना पड़ा। पहले तो लॉकडाउन के कारण सिनेमाघर बंद रहे, फिर जब खुले भी तो लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पर ही फिल्में देखने लगे। सिनेमाघरों के मालिकों को हो रहे नुकसान को देखते हुए हाल ही में सलमान खान ने ये फैसला लिया कि वो अपनी अगली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड बाय को सिनेमाघरों में ही रिलीज करेंगे। उन्होंने इससे जुड़े एक पोस्ट सोशल मीडिया पर भी डाली है और उन्होंने ये पोस्ट करते हुए सिनेमाघरों के मालिकों की परेशानी को समझा और उनसे ये सुनिश्चित करने को कहा है कि जो दर्शक फिल्म देखने आएंगे उनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाए। अब फिल्म राधे सिनेमाघरों में ही ईद के वक्त रिलीज होगी। राधे फिल्म की एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, राधे सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है जिसको लेकर मैं काफी उत्सुक हूँ। अब दर्शक इस फिल्म का आनंद बड़े पर्दे पर उठा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं और फिल्म की रिलीज होने का इंतजार कर रही हूं। मैं लोगों से अपील करती हूं कि वो सुरक्षित रहे और जब फिल्म सिनेमा घरों में लगे तो हर जरूरी सावधानियां बरते हुए सिनेमा घरों में जाए। सलमान खान के फैंस के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि वो उनकी फिल्म राधे योर मोस्ट वॉन्टेड बाय सिनेमा घरों में रिलीज होगी और वो देख सकते हैं। इस फिल्म को प्रभुदेवा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में दिशा पाटनी सलमान खान और जैकी श्रॉफ के साथ बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाते हुए दिखेंगे। दिशा फिल्म में जैकी श्रॉफ के बहन का किरदार निभा रही है। दरअसल फिल्म भारत में सलमान, दिशा और जैकी ने काम किया था, जिसके बाद अब तीनों फिर साथ में राधे में काम कर रहे हैं। हालांकि फिल्म भारत में तीनों का एक साथ सीन नहीं था, राधे में तीनों एक साथ सीन करते हुए नजर आए हैं और वो भी तीनों एक साथ एक्शन करते हुए दिखेंगे। वही बात करें दिशा पाटनी की तो वो जैकी श्रॉफ के बेटे एक्टर टाइगर श्रॉफ संग रिलेशन में है। दोनों ने अपने रिलेशन पर ऑफिशियल मोहर तो नहीं लगाया है अब तक, लेकिन दोनों लॉकडाउन के बाद ही मालदीव्स वेकेशन के लिए गए थे और उनकी गहरी दोस्ती की चर्चा भी होती रहती है। इन दोनों के मालदीव के वेकेशन के तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। राधे में दिशा जैकी सलमान के अलावा रणदीप हुडा, जरीना वहाब के साथ भी काम करेंगी। माना जा रहा है कि फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज हो सकती है। फिल्म के राइट्स को 230 करोड़ में बेचा गया है। इसको खरीदने वाला जी स्टूडियोज है। जी स्टूडियो ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म राधे का इंतजार इंडस्ट्री में दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं और हम तो इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और आप आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर है सानिया। लगा था सलमान खान की राधे पर 6 महीने का ब्रेक। किस आइडिया की वजह से जल्द ही शूट पूरी कर ली गई थी राधे की? कौन से स्टंटमैन करने वाले हैं राधे के एक्शन सीन्स को डायरेक्ट? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। सलमान खान की आने वाली फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई के लिए सलमान के फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं।
राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में सलमान खान और दिशा पटानी की मुख्य भूमिका के साथ साथ जैकी श्रॉफ और रणदीप हुडा अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म प्रभु देवा द्वारा निर्देशित और सुहेल खान व अतुल अग्निहोत्री द्वारा निर्मित है। लेकिन जब कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी थी तब अचानक से सारी फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई थी। तब सारे फैंस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब सलमान की अगली फिल्म को उन्हें देखने का मौका मिलेगा। जब से लॉकडाउन में ढील दी गई तब से कई फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू कर दी गई थी और कई फिल्मों ने अपने शूटिंग शेड्यूल को निपटाने के लिए सेट पर वापसी कर ली थी। सलमान खान की एक्शन फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई उन्हीं में से एक थी। सलमान खान और टीम ने अक्टूबर के दूसरे दिन इस एक्शन थ्रिलर की शूटिंग फिर से शुरू की थी और अब अपना शूटिंग शेड्यूल पूरा कर लिया है और इस बात को सलमान खान ने अपने फैंस के साथ साझा किया था। सलमान खान फिल्म्स के आधिकारिक हैंडल से सोशल मीडिया पर सलमान खान ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए शूटिंग खत्म होने की घोषणा की थी। सलमान खान फिल्म्स ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, एंड इट्स अ रैप। बता दें कि सलमान खान ने अपनी इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग तय वक्त से पहले ही पूरी कर ली है। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर के आखिर तक चलने वाली थी लेकिन सलमान खान की टीम ने इसे तय समय से पहले ही पूरा कर लिया। शूटिंग जल्द पूरी होने की वजह तीन लोकेशंस पर अलग अलग टीमों के साथ शूटिंग करने का आइडिया माना जा रहा है। कोरोना की वजह से हर सेट पर छोटी छोटी यूनिट के काम करने के नियम के तहत ये फैसला लिया गया था। बताते चले कि फिल्म राधे में सलमान खतरनाक एक्शन और स्टंट करते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को साउथ कोरिया के फेमस स्टंटमैन कोन ताए हो ने डिजाइन किया है। कोन ताए हो को साउथ कोरिया के सबसे बड़े मार्शल स्टार्स में से और स्टंटमैन में से जाना जाता है। वो नवंबर 2019 में मुंबई आए थे और उन्होंने फिल्म में सलमान खान और रणदीप हुडा के बीच होने वाले फाइट सीक्वेंसेस को डिजाइन किया था। ये भी बताया जा रहा है कि एक फाइट सीन में सलमान खान कोन ताए हो के साथ फाइट करते हुए नजर आएंगे। तो हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए ऐसे में, और आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या है सलमान खान की अगली फिल्म की कहानी? क्यों किया दिशा पटानी ने सलमान खान की फिल्म का ऑफर एक्सेप्ट? इस बात में कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड की कुछ टॉप की फिल्में वो फिल्में हैं जो कि दुनिया के अलग अलग देशों और दुनिया भर के हिस्सों में बनी फिल्मों से प्रेरित है। एक तरफ जहां हॉलीवुड भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बना हुआ है, बीते दशक में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है जहां हमने देखा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अपना ध्यान अब दक्षिण कोरियाई फिल्म उद्योग की ओर आकर्षित कर रही है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि दक्षिण कोरियाई सिनेमा मेलोड्रामा और दिल को थामने वाले एक्शन के लिए बॉलीवुड के प्यार को सांझा करता है जो कि इन दोनों फिल्म इंडस्ट्री को करीब लेकर आया है। पिछले कुछ सालों से फिल्म जिंदा, अवारापन, मर्डर टू, जज्बा, एक विलन, तीजन जैसी कई बॉलीवुड फिल्में दक्षिण कोरिया की कुछ बड़ी फीचर फिल्मों से प्रेरित हैं, चाहे ये रीमेक आधिकारिक है या अनौपचारिक रूप से हो रही है। दक्षिण कोरियाई बॉन्ग जून को ही डायरेक्टोरियल फिल्म प्रसाइड की बारी सफलता से बहुत ही बॉलीवुड में दक्षिण कोरिया की फिल्मों की ओर अपना रुख किया। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सुपरस्टार सलमान ने भी अपना ध्यान दक्षिण कोरियाई फिल्मों की ओर केंद्रित करने में समय बर्बाद नहीं किया। सलमान खान की फिल्म भारत जो ई 2019 पर रिलीज हुई थी और यह सबसे बड़ी ओपनर बन गई थी, सलमान के करियर के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। इस फिल्म में कैटरीना कैफ, सुनील ग्रोवर, तबू, दिशा पटानी और सोनाली कुलकर्णी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट रही थी। भारत की सफलता के बाद सलमान को यह प्रेरणा मिली कि उन्हें दक्षिण कोरियाई हिट द आउटलॉस को राधे के रूप में लेकर आने की, जबकि द आउटलॉस में माना गया कि डोंग सेक और यू की संग जैसे कलाकार थे, राधे जो कि इसके बॉलीवुड रीमेक है में सलमान खान और दिशा पटानी दिखेंगे। द आउटलॉस की कहानी सियोल में टर्फ युद्ध को दिखाने के लिए एक जासूस के संघर्ष को दिखाती है, तो दूसरी ओर राधे की कहानी कथित तौर पर सलमान को एक अंडरकवर पुलिस वाले के रूप में दिखाएगी जो एक बड़े ड्रग कॉर्डल को खत्म करने के लिए हर कोशिश करता है जो कि रणदीप हुड्डा के किरदार द्वारा चलाया जाता है। दिशा का कहना है कि सलमान एक स्टार है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। भारत फिल्म में दौरान ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी काफी नर्वस थी,
लेकिन राधे की कहानी और राधे में मेरे किरदार की वजह से मैं इस फिल्म में हीरोइन की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गई। तो क्या लगता है आपको, क्या सलमान का इस फिल्म में किरदार बन पाएगा इस फिल्म को एक ब्लॉक? आखिर क्यों किया गया रणवीर सिंह की फिल्म 83 को पोस्टपोन और कैसे है फिल्म राधे फिल्म वांटेड जैसी, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे फिल्म राधे की। भाई अगर हमारे भाईजान की फिल्म की बात की जाए तो उसके लिए मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का एक एक इंसान एक्साइटेड रहता है, सब एक्साइटेड रहते हैं कि कब भाईजान अपनी नई फिल्म के साथ आएंगे। तो लीजिए सुन लीजिए, अब आने वाली फिल्म में सुपरस्टार बॉलीवुड के सुपरस्टार भाईजान यानी कि सलमान खान दिखाई देने वाले हैं राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में। और हाँ सुन लीजिए कि वो किस किरदार में नजर आने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो इस फिल्म में नजर आने वाले हैं एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में, यानी के बड़ा ही मजेदार होने वाला है दबंग के बाद। अब हम अपने राधे को देखेंगे फिर से एक पुलिस के अवतार में। फिल्म वांटेड के बाद उनकी निर्देशक प्रभुदेवा के साथ वापसी दिखाती है, और इतना ही नहीं उस फिल्म में सलमान खान एक अंडरकवर पुलिस की भूमिका में नजर आए थे। हाल ही में सलमान खान ने बताया कि उन्होंने इस नाम को पहले कहां रखा था, तो उन्होंने बताया कि साल 2003 में उनकी फिल्म तेरे नाम में उनका नाम राधे था, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और उसी राधे को हमने बहुत ज्यादा प्यार किया था। उसके बाद हमने इस राधे को फिर देखा, हमने 2009 में फिल्म वांटेड में सलमान खान के कैरेक्टर का नाम फिर से राधे सुना। तो भाई अब क्या जो राधे आने वाला है वो इन दो राधे की तरह सेम होने वाला है? दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि इस बात के बारे में भी सलमान खान ने खुद जवाब दिया। सलमान खान ने बताया कि अब जो उनकी फिल्म आने वाली है राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, अभी तक के परफॉर्म किए गए उनके दोनों राधे वाले रोल से अलग होने वाला है। साथ साथ सलमान खान ने यह भी बताया कि इस कैरेक्टर का या इस फिल्म का उनके पिछले परफॉर्म किए गए दोनों कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस फिल्म का जॉनर पिछली की गई उनकी फिल्म वांटेड से काफी मिलता जुलता है। कोविड के चलते रणवीर सिंह की फिल्म 83 अब साल 2021 जून में रिलीज की जाएगी। जी हाँ, ये फिल्म पहले किसी और डेट पर किसी और महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज डेट जून 2021 हो गई, क्योंकि इससे पहले कोरोना की वजह से सारे सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए थे। और इसके अलावा साथ साथ एक और फिल्म की रिलीज डेट भी टाल दी गई, वो है अक्षय कुमार स्टार फिल्म सूर्यवंशी। पहले तो ये फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी इसी साल, लेकिन उस फिल्म को रमजान के पवित्र महीने की वजह से रिलीज नहीं किया जा रहा। इस फिल्म को रिलीज करने की और या फिर यूं कह लो लेट करने की एक बड़ी वजह और है, क्योंकि फिल्म के एक्टर अक्षय कुमार ये नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म भाईजान यानी कि सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई और साथ साथ जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 के साथ क्लैश करें। तो अब दोस्तों ये वजह है कि फिल्म 83 जून में रिलीज की जाएगी। अब भाई ईद के अवसर पर हमें दिखने वाले हैं बॉलीवुड के दो बड़े फिटेस्ट और स्मार्टेस्ट और हॉटेस्ट एक्टर्स एक दूसरे से भिड़ते हुए। पहले तो होंगे हमारे सलमान भाई। वैसे तो भाईजान की फिल्म ईद पर साल 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब उनकी फिल्म रिलीज होगी 12 मई को। वहीं दूसरी तरफ फिल्म लेकर आ रहे हैं जॉन अब्राहम, जिनकी फिल्म का नाम है सत्यमेव जयते 2, जिसकी खबर भी यही आई है कि वो भी ईद पर ही रिलीज की जाएगी। यानी कि इन दो बड़े एक्टर्स के बीच हमें दिखने वाला है मुकाबला, हमें दिखने वाली है टक्कर। अब भाई इसका मतलब इस बार की ईद पर बड़ा ही मजा आने वाला है, क्योंकि दो एक्शन फिल्में, दो सुपर हिट एक्टर्स और वो नजर आएंगे एक साथ। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर क्या सलमान खान के फैंडम के सामने जॉन अब्राहम अपनी एक्टिंग का पासा फेंक पाएंगे, क्या जॉन अब्राहम किसी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, या फिर सलमान खान की फिल्म जॉन अब्राहम की फिल्म को बुरी तरह मात दे देगी। तो दोस्तों ये तो हमें वक्त ही बताएगा। और दोस्तों अगर आपको बॉलीवुड की और फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हासिल करनी है तो हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ बने रहिए। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते और शेर अकेले।
आई लाइक इट। इसे थोड़ा कम कर, बहुत ऊपर जाएगा वरना सीधा ऊपर जाएगा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया अगर मैं अपने आप की बिजनेस राधे योर मोस्ट वांटेड भाई किन से पंगा लेने वाले हैं सलमान खान अपनी अगली फिल्म राधे में। राधे फिल्म के विलन का पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से क्या कनेक्शन है। सलमान खान ने सभी को चौंका दिया है जब उन्होंने अपनी आगामी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की घोषणा एक अनोखे अंदाज में की जब वो अपनी पिछली फिल्म दबंग 3 का प्रचार कर रहे थे। इस साल ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म कई कारणों से सुर्खियां बटोर रही हैं और सेट से कुछ तस्वीरें भी इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के भाईजान इस बार अपनी फिल्म के लेवल को अगले स्तर तक ले जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि उनका सामना फिल्म में एक या दो नहीं बल्कि 3 खलनायकों से होगा। रणदीप हुडा, गौतम गुलाटी और सिक्किम के अभिनेता सांग को फिल्म में विलन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। वहीं साथ में सलमान की भारत की सह कलाकार दिशा पाटनी को राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में फिल्म की हीरोइन की भूमिका में पार्ट मिल चुका है। रणदीप और सलमान इससे पहले केक और सुल्तान में साथ काम कर चुके हैं। रणदीप ने फिल्म में एक विलन की भूमिका निभाई है, उन्हें यह भूमिका काफ़ी पसंद आई और इसलिए वह इसे करने के लिए सहमत हो गए। वह पहली बार जब वह इस फिल्म का किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा सलमान और रणदीप ने अतीत में एक साथ काम किया है और वह एक महान रिश्ता साझा करते हैं। फिल्म सुल्तान में सलमान के कोच की भूमिका निभा चुके हैं रणदीप हुडा ने बताया कि उन्होंने सलमान खान के कहने पर ही फिल्म में विलन का किरदार निभाया है। राधे की शूटिंग के दौरान रणदीप के घुटने में चोट लगी थी, फिल्म की कोरोना वायरस के कारण शूटिंग रोक दी गई। इस फिल्म में हमें एक और नए एक्टर दिखने वाले हैं और वो है भूटान के संगे शेल्त्री में। संगे बचपन में टाइकोंडो सीखते थे और फिर बड़े होकर उन्होंने इंदौर से यंग ऑफिसर कोर्स और बेलगांव से कमांडो कोर्स किया। 2017 में बहुत आसानी से उन्हें मिस्टर भूटान का खिताब अपने नाम किया। उसके बाद कुछ फिल्मों के ऑफर आने लगे। 2018 में उन्होंने सिंगे नाम की फिल्म की। इस फिल्म में इंडियन एक्टर ठाकुर अनूप सिंह ने भी काम किया था जो कमांडो 2 में एक्टिंग कर चुके हैं। इस फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया, संगे को बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी मिला। फिर उनकी मुलाकात हुई सलमान खान के पर्सनल फोटोग्राफर हैदर खान से, जिन्होंने उन्हें सलमान से मिलवाया दबंग 3 के सेट्स पर। बाद में उन्हें राधे फिल्म में विलन का किरदार निभाने के लिए चुन लिया गया। जब ऐसे ट्रेंड और खतरनाक विलन से लड़ते हुए सलमान खान दिखेंगे राधे में तो फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी ही। क्या लगता है आपको? ये कहानी लिखी है अनन्या भार्गव ने और इसे रिसाइट किया है प्रशांत ने। किस एक्शन सीन को करने में लग गए सलमान को 18 टेक? कैसे करेंगे सलमान राधे में रणदीप हुड्डा का पीछा? क्या राधे में दिखेगा सलमान खान का वन मैन आर्मी अंदाज? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई ईद के मौके पर रिलीज होगी। इस फिल्म में दिशा पटानी सलमान के ऑपोजिट नजर आने वाली हैं। वहीं विलन के रोल में रणदीप हुडा नेगेटिव किरदार में सबका मनोरंजन करने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म से सलमान खान के कई लुक्स सामने आए हैं। हालांकि अभी तक रणदीप हुडा के नेगेटिव किरदार का कोई लुक सामने नहीं आया है और फैंस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसी बीच रणदीप हुडा ने सलमान को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर काफी बातें की जा रही हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस फिल्म में वो विलन किसके कहने पर बने हैं और क्यों। उनकी माने तो फिल्म राधे पूरी तरीके से एक्शन फिल्म होगी। जिस तरीके से सलमान खान वांटेड में दिखाई दिए थे वन मैन आर्मी की तरह, ठीक वैसे ही राधे की स्क्रीन पर भी पूरी तरीके से एक्शन और दमदार डायलॉग्स का कब्जा होने वाला है।
दिशा पटानी इस फिल्म में होने की खबर से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठे थे कि क्या सलमान दिशा के साथ रोमांस करते हुए दिखेंगे या उनका कोई और ही रिश्ता होगा फिल्म में। लेकिन एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान रणदीप ने राधे से जुड़ी काफी खास डिटेल्स साझा की और कहा कि वो इस फिल्म में सिर्फ एक्शन करते हुए नजर आएंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए वो कहते हैं कि सलमान खान के कहने पे वो फिल्म में विलन के रोल के लिए आए। रणदीप ने कहा, मैं सलमान का एक इंसान और एक एक्टर के तौर पर बहुत सम्मान करता हूँ। उनका काम करने का एक निश्चित तरीका है और हमने पहले भी काम किया है तो मुझे इसकी आदत है और हमने काफी मजे भी किए हैं। मैंने किक में सलमान को चेज किया और सुल्तान में उनका कोच बना। इस बार मैं चेक कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे कितना सीखा है, क्योंकि राधे और मोस्ट वांटेड भाई में उनका कैरेक्टर मेरी तलाश में है, यानी कि सलमान का कैरेक्टर होगा रणदीप की तलाश में। रणदीप ने फिल्म में एक एक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि एक सीन में सलमान को रणदीप के पीठ पर जंप करना था। इसके लिए उन्होंने पूरे 18 टेक लिए और इससे उनके घुटने भी काफी चोटिल हो गए थे। तो रणदीप कहते हैं कि इस बार मैं चेक करने वाला हूँ कि सलमान मेरे पीछे होंगे और मैं उनको काफी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जरा सोचिए, जिस फिल्म के लिए सलमान को 18 टेक करने पड़ गए, कैसा होगा उस फिल्म का एक्शन लेवल। हम तो राधे और मोस्ट वांटेड भाई के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। और आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की स्क्रिप्ट, सलमान खान की राधे ईद पर कैसे मचाने वाली है धमाल। क्या 235 करोड़ की जबरदस्त डील पक्की हो चुकी है? क्या होने वाली है राधे की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीक्रास्ट स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। सलमान खान स्टारर फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई ईद 2021 पर रिलीज होने के लिए तैयार है। जल्दी ही फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिलीज हो जाएगा। दोस्तों, कोई शक नहीं है इसमें कि फैंस ही नहीं बल्कि सिनेमाघर के जो मालिक है वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म का, क्योंकि सल्लू भाईजान वो स्टार है जो कि अब कोविड के बाद जब सिनेमा घरों में आएंगे तभी जाके ऑडियंस जो है वो सिनेमा घरों की ओर खींची हुई चली आएगी। इस वक्त जितने भी थिएटर मालिक है वो बेहद परेशान है और सल्लू भाईजान ने ऐसे में थिएटर मालिकों से वादा किया कि वो अपनी फिल्म OTT पर नहीं बल्कि थिएटर्स में रिलीज करेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें राधे योर मोस्ट वांटेड भाई ने रिलीज से पहले ही 200 करोड़ से ज़्यादा का धमाका कर दिया है, क्योंकि इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वीडियो स्ट्रीमिंग है, म्यूजिक राइट्स है, वो 235 करोड़ के बिक चुके हैं। ये राइट्स जी स्टूडियो ने खरीदे हैं। फिल्म ईद के मौके पर यानी कि 14 मई को रिलीज हो रही है। भाईजान के फैंस समेत एग्जिबिटर्स को भी पूरा भरोसा है कि सलमान दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच कर ला सकते हैं। बताया जा रहा है कि पहले ये फिल्म सिनेमा घरों की बजाय OTT पर रिलीज होने वाली थी, Zee5 पर, और फिर जाकर सलमान खान ने अपना प्लान चेंज किया। वहीं बता दें कि फिल्म की कुछ झलक तो पिछले साल ही दिखाई दी गई थी, क्योंकि फिल्म 2020 में रिलीज होने वाली थी ईद में, लेकिन अब दर्शकों का उत्साह बढ़ाते हुए नए पोस्टर को भी रिलीज किया जाना है। सलमान खान अपनी ईद रिलीज की परंपरा को राधे के साथ जारी रखेंगे, क्योंकि पिछली ईद में तो वो आ नहीं पाए, लेकिन इस ईद में वो अपना पुराना वादा पूरा करेंगे। उद्योग और प्रदर्शकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, जो चाहते थे कि कोरोना महामारी के बाद सल्लू भाईजान सबसे पहले थिएटर्स में आए, तो सल्लू ने भी सहमति दिखा दी है और अब बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। दोस्तों, इस आपको बता दें दिशा पाटनी नजर आने वाली है सल्लू भाईजान के अपोजिट, साथ ही इसमें रणदीप हुड्डा होने वाले हैं और रणदीप और जो सलमान खान की फाइटिंग सीन है उसका इंतज़ार रहेगा, वो क्लाइमेक्स का इंतज़ार रहेगा, जिसमें पूरे 7 करोड़ का खर्चा किया गया है। तगड़ा VFX की क्रोमा टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ खास है दोस्तों। तो आई होप आपकी एक्साइटमेंट तो बढ़ ही गई होगी। तो कितना इंतज़ार है राधे का, ये हमें बताइए नीचे। दोस्तों, जब से सिनेमा घरों पर से ताला हटाया तब से रिलीज डेट की भरमार लगी है और उसी की वजह से कई क्लैशेस हमें इस साल देखने को मिल रहे हैं। वो भी सिर्फ नॉर्मल क्लैशेस नहीं, बड़े बड़े एक्टर्स स्टार्स की फिल्में क्लैश लिस्ट में शामिल है। हालांकि इससे मेकर्स को भारी नुकसान होगा, लेकिन अगर वो रिलीज नहीं करेंगे तो उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे टॉप क्लैश फिल्मों के बारे में, जानेंगे कि कौन किससे टक्कर लेने जा रहा है। तो पहला क्लैश है इस साल का राधे वर्सेस सत्यमेव जयते 2। आने वाली ईद पर बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान और जॉन अब्राहम की टक्कर दर्शकों को देखने को मिलेगी।
सलमान मई में अपनी फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई रिलीज करेंगे। वहीं जॉन अब्राहम एक्शन एंटरटेनर फिल्म सत्यमेव जयते 2 लेकर आ रहे हैं। अब इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारेगी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वेल, आपको क्या लगता है, सलमान खान या फिर जॉन अब्राहम? नेक्स्ट क्लास है अक्षय कुमार वर्सेस शाहिद कपूर, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस जर्सी। अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर का ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म पृथ्वीराज दिवाली के मौके पर रिलीज होगा और उसी दिन शाहिद कपूर की स्पोर्ट्स एंटरटेनर फिल्म जर्सी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस साल बॉक्स ऑफिस पर कबीर सिंह कौन होगा, अक्षय कुमार के फिल्म पृथ्वीराज चौहान या फिर शाहिद की जर्सी? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें। थर्ड क्लास है RRR वर्सेस मैदान। बाहुबली के डायरेक्टर SS राजमौली की अगली फिल्म RRR इसी साल दशहरे पर धूम मचाने को तैयार है और इस बड़ी फिल्म को टक्कर देने आ रहे हैं अजय देवगन फिल्म मैदान से, जो कि एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर फिल्म होगी। वेल, ये तो हाथी और चींटी वाली बात हो गई, कहां एक तरफ RRR और कहां एक तरफ मैदान, लेकिन दोनों में से जीत किसकी होगी ये तो हमें दशहरे के मौके पर पता चलेगा। आपको क्या लगता है, मैदान या फिर SS राजमौली की RRR? नेक्स्ट क्लास है इस साल का बेल बॉटम वर्सेस फास्ट एंड फ्यूरियस 9। अक्षय कुमार स्टारर बेल बॉटम 28 मई 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और उसी दिन हॉलीवुड की बड़ी एक्शन फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 भी रिलीज हो रही है। अब इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड का डंका बजता है या फिर बेल बॉटम से अक्षय कुमार कुछ धमाल करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड? बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस साल की लास्ट क्लास के बारे में, शेरशाह वर्सेस मेजर। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह जो कि 2 जुलाई को रिलीज होगी, ये फिल्म कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर बेस्ड होगी। इस फिल्म से जिस फिल्म का क्लैश होगा उसका नाम है मेजर, जो कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जिंदगी पर आधारित है। ये कहानी उस शख्स की है जिसने 26/11 अटैक के दौरान मुंबई में 14 लोगों की जान बचाई थी। वेल, दोनों ही फिल्में पैट्रियोटिक है, डिपेंड करते हैं यहाँ की कहानी किसकी ज्यादा मजेदार होती है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसकी जीत होगी बॉक्स ऑफिस पर? दोस्तों, जो भी हो, इस साल तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि एक साथ दर्जनों भर फिल्में रिलीज हो रही हैं बॉक्स ऑफिस पर और ऐसे में क्लैशेस जो इंटरेस्ट लेवल को और बढ़ा रहा है। मैं तो भैया बहुत तैयारी करके बैठा हूँ इन फिल्मों को देखने के लिए। आप कितने तैयार हैं और आप किस किस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलीवुड। किस बात का है थिएटर मालिकों को डर, आखिर किस किरदार में दिखेंगी जैकलिन फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई में? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज की इस नई वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे फिल्म राधे के बारे में। 10 महीने से अधिक समय तक मजबूर रहने के बाद बॉलीवुड आखिरकार जागने की कोशिश कर रहा है। सलमान खान के राधे से लेकर ईद के लिए शाहिद कपूर की जर्सी की दिवाली की बुकिंग के लिए पहले से ही काफी फिल्मों की बड़ी रिलीज की घोषणा की जा चुकी है। अब निर्माता हमें बताते हैं कि बॉलीवुड वापस अपनी रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है और उन्हें उम्मीद है कि दर्शकों को उद्योग को पूर्ण जीवित करने में मदद मिलेगी। अब निर्माताओं का कहना है कि 2021 हम सबके लिए एक नई शुरुआत है। प्रोडक्शन हाउस, अभिनेता, निर्देशक, चालक दल सख्ती से दिशा निर्देशकों को पालन कर रहे हैं अब ताकि शूटिंग को पूरा कर सकें और नई परियोजनाओं शुरू कर सकें। एक साथ बड़ी फिल्मों की घोषणा से जैसे कि उम्मीद थी बॉक्स ऑफिस पर भीड़ भाड़ के होने का सबको डर सता रहा। अब एक साथ अधिक घोषणाओं के साथ हमें उम्मीद है कि ये सूची दिन के अनुसार बढ़ती रहेगी। हालांकि ये निश्चित रूप से सिनेमा मालिकों और वितरकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि रिलीज के घोषणाओं के साथ होने वाली क्लैशेस से दर्शकों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ेगी। अब महामारी की वजह से हालात देखते हुए रिलीज की वजह से दर्शक के लिए फिर से सिनेमा की आदत बना देंगे और इस आदत की एक बहुत बड़ी वजह होने वाली है सलमान खान, क्योंकि उनकी फिल्म राधे एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने वाली है। अब साथ ही इस फिल्म में हमें एक और आइटम सॉन्ग मिलने वाला है।
बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस श्रीलंका जैकलिन फर्नांडिस दबंग स्टार सलमान खान की फिल्म राधे में आइटम नंबर करती नजर आ सकती हैं। अब फिल्म में दिशा पठानी फीमेल लीड रोल कर रही हैं और कहा जा रहा है कि इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस भी नजर आने वाली हैं। तो फिल्म में जैकलिन का किरदार होगा या नहीं इस बारे में तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि वह सलमान की इस फिल्म में एक जबरदस्त आइटम नंबर करती नजर आएंगी। जैकलिन इससे पहले सलमान खान के साथ फिल्म किक में काम कर चुकी हैं और उन दोनों की अच्छी दोस्ती है। सलमान की फिल्म राधे 2021 की ईद पर रिलीज होगी और ये ईद सबके लिए एक ईदी के तौर पे साबित होगी। दोस्तों सलमान की फिल्म ईद पर जो रिलीज होने वाली है, तो आपको ये बता दें कि सलमान खान के साथ इस फिल्म में दिशा पाटनी और रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। खास बात तो ये है कि इस फिल्म में भी सलमान खान कॉप की भूमिका में नजर आएंगे। जी हाँ, एक बार फिर से सलमान खान में मुंबई के पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाएंगे जो अपराध और अपराधियों का सफाया करेंगे। दोस्तों अब बस यही थी आज की खबरें, अब वीडियो खत्म करने का समय आ गया है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सानिया भार्गव ने लिखी। सलमान खान अपने कौन से डायलॉग को फिर से दोहराएंगे फिल्म राधे में? कैसे किया दिशा पाटनी ने अपने को स्टार जैकी श्रॉफ को बर्थडे विश? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलीक्रास्ट स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सलमान खान के फैंस को लॉकडाउन में सलमान खान की किसी भी फिल्म को देखने का मौका नहीं मिला था और ऐसा लगता है कि इसीलिए वो अब उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर अगली फिल्म राधे द मोस्ट वॉन्टेड भाई में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान प्रभु देवा के साथ वॉन्टेड और दबंग के बाद अभिनेता के तीसरे सहयोग को चित्र करेंगे। एक साल की देरी के बाद फिल्म ईद के मौके पर मई में सिनेमाघरों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2019 में जब सलमान खान और संजय लीला भंसाली के बड़े प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह की शूटिंग शुरू होने से पहले ही बंद कर दी गई थी, तो सलमान खान ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा 18 अक्टूबर को ही कर दी थी। अपनी उस समय की आगमी रिलीज दबंग 3 के प्रमोशंस को इस्तेमाल करते हुए सलमान खान ने दबंग 3 का एक विस्तारित टीजर भी साझा किया था और अपने किरदार राधे की एक झलक भी पेश की थी, जिससे उन्होंने आधा अच्छा और पूरी तरह से पागल बताया था। जैकी श्रॉफ अपने युग के सबसे प्रतिभाशाली और बेहतरीन अभिनेताओं में से एक है। आपको बता दें कि जैकी श्रॉफ अक्सर अपने विचित्र इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। जैकी ने हाल ही में अपना 64th जन्मदिन मनाया और आपको बता दें कि उनकी पत्नी आयशा श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया पर जैकी को विश भी किया। जैसे ही उन्होंने वो पोस्ट साझा की, टाइगर श्रॉफ की लेडी लव दिशा पाटनी ने भी उन्हें विश किया। उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे अंकल, ढेर सारा प्यार। जैकी श्रॉफ के वर्क फ्रंट पर वह सलमान खान की राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई में दिखाई देने वाले हैं, जो कि इस साल के अंत में ही रिलीज होने वाली है। फिल्म में दिशा और रणदीप भी होने वाले हैं। ये फिल्म सलमान खान फिल्म्स, सोहेल खान प्रोडक्शंस और रियल लाइफ प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली है। खबरों के मुताबिक सलमान खान का लोकप्रिय डायलॉग राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में एक बार फिर सुनने को मिल सकता है। वो डायलॉग है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आपको बता दें कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई वांटेड का आधिकारिक सीक्वल नहीं है। ओरिजिनल फिल्म के अधिकार और इसकी सारी सामग्री निर्माता बोनी कपूर की है। सुनने में ये भी आया है कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई में से ये डायलॉग इस्तेमाल करने के लिए बोनी कपूर से बात की जा रही है। सलमान खान को फिर से वांटेड फिल्म के इस मशहूर डायलॉग को बोलते हुए देखने के लिए हम तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, और आप कितने उत्साहित हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीक्रास्ट स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है सान्या भार्गव, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। काल की सबसे बड़ी डील, कैसे करेंगे सलमान खान राधे फिल्म में तीन खलनायक का सामना? आखिरी बार दबंग 3 में दिखने वाले सलमान खान इसके बाद जल्द ही अपने फैंस के लिए फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई लेकर आ रहे हैं।
इस फिल्म की शूटिंग काफी दिनों पहले खत्म हो चुकी है। ईद के मौके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म के लिए फैंस में भी काफी ज्यादा उत्सुकता है। हाल ही में फिल्म से जुड़ी एक अहम बात सामने आई है और वो है कि सलमान खान फिल्म में एक नहीं एक से ज्यादा विलन का सामना करने वाले। जरा सोचिए, सलमान खान जब एक विलन का सामना करते हैं तो कितना धमाल मचाते हैं। ऐसे में वो जब एक से ज्यादा विलन का सामना करेंगे तो क्या धमाल मचाएंगे। तो कितने विलन का सामना करेंगे सलमान खान राधे फिल्म में? राधे में सलमान एक या दो नहीं बल्कि तीन खलनायकों से पंगा लेने वाले हैं। राधे फिल्म की कास्टिंग के बारे में अब खबर आने वाली है। इस फिल्म में गौतम गुलाटी, रणदीप हुड्डा और सिक्किम की एक्ट्रेस सांग हुई विलन का नेगेटिव किरदार निभाने वाले हैं। विलन के अलावा एक्शन सीन के लिए भी तीन अलग निर्देशकों को रखा गया है। फिल्म सुल्तान में सलमान के कोच की भूमिका निभा चुके रणदीप हुड्डा ने एक अखबार के साथ इंटरव्यू से बातचीत में बताया कि उन्होंने सलमान खान के कहने पर ही फिल्म में विलन का किरदार निभाया है। राधे की शूटिंग के दौरान रणदीप के घुटने में चोट लग गई थी। फिल्म का सेट जो मुंबई में लगा हुआ था लेकिन कोरोना वायरस के कारण शूटिंग रोक दी गई थी। प्रभु देवा के निर्देशन में बन रही फिल्म राधे की रिलीज डेट 22 मई 2020 रखी गई थी लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस फिल्म में हुई देरी की वजह से अब ये फिल्म 13 मई 2021 को रिलीज की जाएगी। फिल्म में दिशा पटानी भी लीड रोल में है। फिल्म को लेकर एक बहुत ही बड़ी जानकारी सामने आई है और वो ये है कि फिल्म के राइट्स बहुत महंगे दाम पर बिके हैं और कोरोना काल में इस बॉलीवुड में अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री का काम भी धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है मगर साल 2021 नई उम्मीदों का साल है। इस साल कई बड़े सुपरस्टार्स की बड़ी फिल्में रिलीज की जाएंगी और इसमें से एक फिल्म सलमान खान की राधे भी है और इस फिल्म के राइट्स भी स्टूडियोज को एक बहुत बड़े दाम पर बिके हैं। क्या लगता है आपको, कितने में बिके होंगे राधे श्याम के राइट्स? क्या जी स्टूडियोज करेंगे राधे श्याम को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर Z5 पर रिलीज? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में इन सभी सवालों के जवाब शेयर जरूर करिएगा। आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो इसे थम्स अप जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ। योर मोस्ट वांटेड, क्यों बेचे सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के राइट्स यशराज स्टूडियोज की जगह जी स्टूडियोज को? कितने में बिके हैं राधे फिल्म के राइट्स? सलमान खान ने अपनी आगामी एक्शन थ्रिलर राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को भी स्टूडियो को 230 करोड़ रुपए में बेच दिया था। 230 करोड़ जिसमें फिल्म का नाटकीय भारत प्लस प्रवासी सैटेलाइट डिजिटल और संगीत अधिकार शामिल थे। जब इस खबर के बारे में सबको पता चला तो हर कोई हैरान रह गया कि सलमान ने जी स्टूडियोज को फिल्म क्यों बेची, ये देखते हुए कि वह पहले थिएट्रिकल अधिकारियों के लिए यशराज फिल्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे, डिजिटल अधिकारों के लिए अमेजॉन प्राइम और टी सीरीज को संगीत अधिकारों के लिए और सैटेलाइट अधिकारों के लिए जी से कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे। यशराज फिल्म्स ने सलमान खान फिल्म्स के साथ एक समझौते के तहत फिल्म को विश्व स्तर पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक समझौता किया था। इस तरह के सौदों में हमेशा एक तरह की अनिश्चितता होती है, खासकर कोविड-19 महामारी के समय, क्योंकि ऐसे में हमें नहीं पता कि फिल्म को देखने के लिए थिएटर में कितने लोग आएंगे। दूसरी ओर उन्होंने अमेज़न के साथ एक डिजिटल सौदा किया जो फिल्म के लिए विशेष स्ट्रीमिंग अधिकार था। इसके नाटकीय रिलीज के 8 सप्ताह बाद सैटेलाइट अधिकार जी के साथ, जो ओटीटी प्रीमियर के 8 हफ्ते बाद चैनल पर इसका प्रीमियर कर सकते थे, और संगीत अधिकार टी सीरीज के साथ थे। जबकि सलमान को 230 करोड़ रुपए का अपफ्रंट अमाउंट मिला जिससे उन्हें 100 करोड़ रुपयों का मुनाफा हुआ है। स्टूडियो के पास अब सभी अधिकार हैं। फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज के बाद 2 से 3 हफ्तों के भीतर फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। सलमान और जी के बीच हुई ये डील दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगी क्योंकि सलमान की फिल्में अच्छा बिजनेस करती हैं। सलमान ने 2020 के अक्टूबर में फिल्म की शूटिंग खत्म की थी। अब मेकर्स फिल्म को इस साल ईद पर रिलीज करने की तैयारियां कर रहे हैं। सलमान जी के साथ पहले भी कई डील कर चुके हैं। राधे के अलावा सलमान के बैनर तले बनी कागज का ट्रेलर भी जी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। कागज में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में है। सलमान ने इसे पहले 3 फिल्मों रेस 3, भारत और दबंग 3 की डील में भी देखा था। अभिनेता इस साल लॉकडाउन से पहले फिल्म की रिलीज को लेकर बिल्कुल तैयार थे। प्रभु देवा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। हम तो राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी।
ये कहानी लिखी है सानिया भार्गव ने और इसे रिसाइट किया है प्रशांत ने। धन्यवाद। क्या होगा साल 2021 बॉलीवुड के खान्स का, क्योंकि दिशा और रणदीप हुड्डा ने बिग बॉस में एंट्री। आप सब बॉलीवुड के तीनों खानों की तिगड़ी के बारे में तो जानते ही होंगे, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। ये तीनों खान दर्शकों से बॉलीवुड पर राज करते हैं। अगर हमारी इंडस्ट्री में कोई सही मायने में सुपरस्टार है तो ये तीनों खान ही हैं। कितने ही नए एक्टर्स या एक्ट्रेसेस आए, लेकिन तीनों खानों का बॉलीवुड में फेम बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। ये तीनों खान अपने टैलेंट, परफॉर्मेंस और जबरदस्त फैन बेस के साथ बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से राज करते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में तीनों खानों की बॉक्स ऑफिस रिलीज कम हो गई। जहां आमिर खान की आखिरी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए खास परफॉर्म नहीं किया था, वहीं सलमान खान की दबंग 3 और एसआरके की 0 भी फैंस का दिल नहीं जीत पाई। लेकिन लगता है 2021 फिर से तीनों खानों का साल होने वाला है। शाहरुख खान जल्द ही पठान फिल्म में दिखने वाले हैं, वहीं आमिर की लाल सिंह चड्ढा का भी दर्शकों का इंतजार है। सलमान खान इस बार दिखेंगे राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में, जो ईद पर रिलीज होगी। आपको बता दें कि सलमान खान की उनकी फिल्म राधे के थिएटर रिलीज के लिए देश भर के थिएटर एग्जीबिशन एसोसिएशन द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था। राधे के राइट्स जी के पास हैं और देश भर के थिएटर ओनर्स को लगता है कि बस सलमान खान की फिल्म ही उन्हें कोरोना में हुए नुकसान से उभरने में मदद कर सकती है। इस रिक्वेस्ट के जवाब में सलमान खान ने कहा, माफ करें, मुझे सभी थिएटर मालिकों को जवाब देने में लंबा समय लग गया। ऐसे समय में ये एक बड़ा निर्णय है। मैं उन आर्थिक समस्याओं को समझता हूँ जो थिएटर मालिकों को हो रही है, और मैं राधे को सिनेमाघरों में रिलीज करके उनकी मदद करना चाहता हूँ। बदले में मैं उनसे राधे को देखने के लिए थिएटर में आने वाले दर्शकों के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की उम्मीद करूंगा। मैंने आपको ईद में फिल्म रिलीज करने का वादा किया था। इंशाल्लाह यह फिल्म ईद 2021 में ही रिलीज होगी। इस फिल्म ईद पर सिनेमा घरों में राधे के आनंद लेंगे। इसका मतलब है कि राधे फिल्म सिनेमा घरों में ईद यानी कि 13 मई के दिन रिलीज होगी, और इसलिए दिशा बिग बॉस ऑफिस के सेट पर भी पहुंची थी उनकी अगली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का प्रचार करने, जिसमें सलमान खान के साथ वो एक बार फिर से दिखाई देंगे। फिल्म में रणदीप हुड्डा भी हैं, जो शनिवार रात बिग बॉस के वीकेंड का वार एपिसोड में दिखाई देने वाले हैं दिशा के साथ। सलमान और दिशा ने भारत फिल्म के गाने स्लो मोशन पर परफॉर्म करके डांस फ्लोर में आग लगा दी। इस गाने को दिशा और सलमान पर फिल्माया गया था। क्या लगता है आपको, क्या इस बार सलमान और दिशा की जोड़ी फिर से किसी हिट डांस ट्रैक में नजर आएंगे? क्या राधे फिल्म पर हो पाएगी थिएटर ओनर्स के नुकसान की भरपाई? आज की हमारी स्क्रिप्ट की सान्या भार्गव और मैं हूँ पूनम। अब अलविदा कहने का समय आ गया है। मिलते हैं बॉलीवुड स्टूडियोज की अगली वीडियो में। तो दोस्तों, क्या इस ईद 2021 में होगा सलमान खान की राधे वर्सेस आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी? क्या कोरोना वायरस के बाद भी कमा पाएंगे सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए? तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी अपकमिंग फिल्म राधे एंड उसका किसके साथ क्लैश होने वाला है, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ईद के मौके पर अपनी एक्शन फिल्म राधे को सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म को सिंगल स्क्रीन एंटरटेनर के तौर पर रिलीज करने की बात कही गई है। इंडियन प्रो म्यूजिक लीग की लॉन्चिंग के मौके पर मीडिया से रूबरू हुए सलमान ने अपनी आने वाली फिल्मों के लिए कहा कि मेरी 3 फिल्में आ रही हैं, जिसमें कि टाइगर 3, किक और कभी ईद कभी दिवाली रिलीज के लिए तैयार हैं। लेकिन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स वालों के यहाँ ये बहुत कम फिल्में रिलीज होती हैं। सलमान ने ये भी कहा कि आजकल सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर कब्रिस्तान की तरह महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी फिल्म देखने के लिए नहीं जा रहा है। जाहिर है कुछ लोग फिर भी इन्हें चला रहे हैं, कुछ थिएटर बंद भी हो गए हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है, ये हम सबके लिए ठीक नहीं है। हम अभिनय के प्रोफेशन और फिल्में बनाते हैं, लेकिन हम उन्हें रिलीज कहाँ करेंगे? ये कैच 2022 जैसी स्थिति है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में मेरी अच्छी पकड़ है, इसलिए थिएटर मालिकों ने मुझे सिंगल स्क्रीन में राधे रिलीज करने का अनुरोध किया है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की राधे यू मोस्ट वांटेड भाई और आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी हाल ही के समय की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। हालांकि हो सकता है कि फिल्म शौकीनों को इस ईद में फिल्में देखने के लिए एक से ज्यादा फिल्मों की चॉइस मिलेगी, क्योंकि दोनों फिल्में एक ही दिन सिनेमाघरों में हिट होने के लिए तैयार हैं। ये बॉक्स ऑफिस पर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म क्लैशेस में से एक हो सकती है, जिसमें एक ही दिन 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। आपको बता दें कि आर्यभट्ट की फिल्म के साथ ईद पर जॉन इब्राहिम की फिल्म भी रिलीज होने वाली है।
जैसा कि हम जानते हैं, जॉन ने पहले ही 2021 यानी 14 मई को एक लंबे समय पहले अपनी फिल्म रिलीज करने की घोषणा कर दी थी। फिर पिछले महीने के दौरान सलमान ने राधे फिल्म की ईद 2021 पर आने की खुशखबरी साझा की और अब तो दोनों के बीच क्लैश की लगभग पुष्टि हो गई है, क्योंकि बाकी के त्योहार स्लॉट पहले ही बॉलीवुड के बाकी फिल्म स्टार्स ने ले लिए हैं। अब जब एक ही दिन तीन बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, तो अहम सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अभी भी अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? क्या सलमान खान की फिल्म राधे पहले के सलमान खान की फिल्मों जैसी 200 करोड़ कमा पाएगी या उससे ज्यादा कारोबार करेगी या फिर कम, ये तो अब हमें फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारी आज की राइटर है सान्या भार्गव। सलमान खान मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे यू मोस्ट वॉन्टेड भाई विल बी रिलीजिंग ऑन ईद 2021, वाइल आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी एंड जॉन अब्राहम सत्यमेव जयते 2 विल ऑल्सो बी रिलीजिंग ऑन द सेम डे इन द थिएटर्स वर्ल्ड वाइड। दोस्तों, बने रहिए कुछ ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। पढ़ रहे हैं राधे के पीछे OTT प्लेटफॉर्म्स क्यों ठुकरा रहे हैं सलमान खान 150 करोड़ के ऑफर्स। सलमान खान की स्टारडम का असर कुछ ऐसा है कि जिस फिल्म में सलमान खान गेस्ट अपीयरेंस भी दे दे, वो फिल्म भी 100 करोड़ कमा लेती है। ऐसे में सलमान खान की फिल्मों को लेकर दर्शकों के दीवानेपन के बारे में तो सब ही जानते हैं। सलमान खान की हर फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म बन जाती है, चाहे फिल्म की कहानी पाकिस्तान से आई एक लड़की की हो, या फिर एक पहलवान की, या फिर एक चोर की जो हर जगह किक ढूंढता फिरता है। ऐसे में अब जहां OTT प्लेटफॉर्म्स का दीवानापन भी बढ़ चुका है, ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म भी सलमान खान की अगली फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए बेचैन है। लेकिन सलमान खान कुछ और ही चाहते हैं। सलमान खान की फिल्म वांटेड, जो कि 2008 में आई थी, का एक डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, उनकी असल जिंदगी पर भी लागू होती है। सुपरस्टार सलमान खान मशहूर हैं कि वो जो कुछ भी वादा कर दे उन्हें निभाना जरूर आता है। यही कारण है कि वो राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को थिएटर्स के अलावा और कहीं रिलीज नहीं करेंगे। खबरें हैं कि सलमान खान ने कोरोना काल के दौरान ये वादा किया था कि इस तरह से वो थिएटर्स मालिकों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आजकल ये खबर सामने आ रही है जिससे आपको ये पता चलेगा कि सलमान खान चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने वादे से नहीं मुकरते। एक OTT प्लेटफॉर्म के एक कर्मचारी ने ये कहा है कि सलमान खान आखिर सलमान खान है। चाहे आज के समय में OTT पर जितनी मर्जी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन सलमान खान की फिल्मों की बात करो और उनको लेकर दर्शकों में उत्साह अलग ही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई और उनकी अगली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के राइट्स को प्राप्त करने के लिए मर रहे हैं, जिसकी शूटिंग भी शुरू नहीं हुई है। लेकिन सलमान अपना मन बदलने के मूड में नहीं है। एक OTT प्लेटफॉर्म ने सलमान को काफी भारी भरकम रकम ऑफर करी थी। हालांकि इस रकम को लेकर खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सलमान खान ने फिल्म बेचने से मना कर दिया है। सलमान खान के फैंस की मानो तो वह सुपरस्टार की फिल्म थिएटर्स में देखना चाहते हैं। काफी समय से सलमान खान को देखकर उनके फैंस ने थिएटर्स में सीटियां नहीं मारी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आप सलमान खान की अगली फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई को थिएटर्स में देखना पसंद करेंगे या फिर किसी OTT प्लेटफॉर्म पर? क्या थिएटर्स में फिल्म को रिलीज करने से ये फिल्म सोई हुई ऑडियंस को जगा पाएगी? जब तक आप इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। किस फिल्म से टकराने वाली थी सलमान खान की राधे फिल्म? क्यों राधे फिल्म के एक्शन को सलमान ने कहा सबका बाप? क्या सौगात देंगे सलमान खान वैलेंटाइंस डे पर? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुष्का त्यागी और आपका स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई पर। तो बॉलीवुड में बहुत बार एक ही दिन कई फिल्में रिलीज होती हैं। अक्सर कोई एक फिल्म दूसरी से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर देती है। ऐसा बहुत बार होता है कि एक फिल्म से बाकी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़ता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म एक ही दिन रिलीज हो। अक्सर ऐसे में एक्टर्स आपस में बात करके किसी एक फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा देते हैं।
लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है जब बॉलीवुड को कोई जबरदस्त क्लैश देखना पड़ता है। तो अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा ही हुआ था जब दिसंबर 2000 में शाहरुख खान और निर्देशक संजय लीला भंसाली ने बड़े पर्दे पर एक दूसरे से क्लैश किया था। सावरिया में रणबीर कपूर और सोनम कपूर ने बॉलीवुड में शुरुआत की। ओम शांति ओम दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म थी। सलमान खान को दोनों ही फिल्मों में कैमियो में देखा गया। जहां ओम शांति ओम बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, वहीं सावरिया उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी थी। एक दिवाली क्लैश में फिल्म निर्माता यश चोपड़ा की आखिरी डायरेक्टेड फिल्म जब तक है जान को अजय देवगन स्टारर सनम सरदार के साथ रिलीज किया गया। दोनों फिल्मों ने दर्शकों को शाहरुख खान और कैटरीना कैफ के रोमांटिक ड्रामा से प्रभावित किया, जिसमें 120 करोड़ से अधिक की कमाई की, और अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म ने भी 105 करोड़ की कमाई की, और दोनों ही फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया। पर एक ऐसा ही हाई प्रोफाइल बॉलीवुड क्लैश हुआ था पिछले साल जब दो बड़े सितारों की फिल्में साथ रिलीज होने वाली थी। दोस्तों आपको याद होगा ये सितारे हैं अक्षय कुमार और सलमान खान। सलमान और अक्षय दोनों की फिल्में पिछले साल ईद पर रिलीज होने वाली थी। सलमान की फिल्म राधे को ईद पर रिलीज करने की घोषणा पहले ही सलमान खान कर चुके थे, तो वहीं अक्षय की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब भी ईद के ही दिन रिलीज होने की खबर थी। इस मामले में अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान उनकी और सलमान की फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर टकराव को लेकर कहा था, मैं जानता हूँ लेकिन ये मेरे करियर की पहली फिल्म नहीं है जो किसी दूसरी फिल्म के साथ टकरा रही है, और मैं इस बात को पूरी तरह जानता हूँ कि ये आखिरी भी नहीं होगी। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं जिसके लिए शुक्रवार कम होते हैं। ऐसे में फिल्में किसी न किसी के साथ एक न एक दिन रिलीज होंगी ही, क्योंकि ये दो बड़ी फिल्में हैं इसलिए इनको लेकर बात तो ज्यादा होगी ही, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा लगा हुआ है, ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है। लेकिन हालांकि मार्च 2020 में कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, जिसकी वजह से सिनेमा घरों में जाना बंद हो गया और अक्षय कुमार की लक्ष्मी को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। वहीं दूसरी तरफ राधे को 2021 की ईद पर रिलीज किया जाएगा। सलमान खान अपनी फिल्म राधे यू मोस्ट वांटेड भाई को लेकर काफी उत्साहित है। इस फिल्म के एक्शन को सलमान ने उसकी दूसरी फिल्मों के एक्शन का बाप कहा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें फिल्म के क्लाइमेक्स सीन पर 7 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्चा हुआ है। सलमान और रणदीप हुड्डा के फाइट वाले सीन में VFX का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस एक्शन ड्रामा फिल्म का निर्देशन प्रभुदेवा ने किया है। वहीं अतुल अग्निहोत्री और सोहेल खान ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। सलमान और रणदीप के अलावा फिल्म में जैकी श्रॉफ और दिशा पटनी भी अहम किरदारों में हैं। सलमान खान ने हाल ही में घोषणा की उनकी फिल्म राधे यू मोस्ट वांटेड भाई इस साल ईद के मौके पर कई सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म पिछले साल रिलीज होने वाली थी। महामारी के बीच सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज करने के अपने चैनल पर सलमान ने फैसला ही लिया कि हाल ही में एक प्रोग्राम में बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 फिल्में बनाई हैं जो रिलीज के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि सिनेमाघरों में कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो रही, सिनेमाघरों का हाल बहुत बुरा है। सलमान खान ने ये भी कहा कि बहुत सारे थिएटर मालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल रीजन से बंद करना पड़ा, और ये अच्छी बात नहीं थी, थिएटर बंद हो रहे थे। सलमान के अनुसार उनका बिजनेस और उनकी रोजी रोटी है, उनका काम एक्टिंग करना और फिल्में बनाना है। हालांकि अगर सिनेमा घरों को बंद करने पर वो अपनी फिल्में कहाँ रिलीज करेंगे। सलमान ये भी कहते हैं कि थिएटर मालिक COVID-19 प्रोटोकॉल के बारे में सावधान रहने वाले हैं। सलमान ने भी विशेष रूप से अपने फैंस से सतर्क रहने का अनुरोध किया है। उन्हें लगता है कि अब वैक्सीन भी आ गई है, अब हम सब सुरक्षित हैं। सलमान को उम्मीद है कि 2021 और 2022 हम सभी के लिए 2020 से बहुत बेहतर होगा। मई में रिलीज होने वाली इस फिल्म के ट्रेलर को सलमान खान के फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सलमान खान के फैंस को वैलेंटाइंस डे के दिन खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि हो सकता है सलमान की फिल्म राधे या मोस्ट वांटेड भाई का ट्रेलर 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन रिलीज। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, क्या होगा राधे यू मोस्ट वांटेड भाई के ट्रेलर में?
क्या लगता है आपको कि सलमान खान के फैंस की उम्मीदों पर खड़ी उतर पाएगी फिल्म? क्या रिलीज होगी राधे फिल्म का ट्रेलर 14 फरवरी को? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज की हमारी ये स्क्रिप्ट